ए, क्यों रे? कहाँ मुंह उठाकर चला रहा है? क्या काम है? क्या चाहिए? अबे बड़ी अकड़ थी ना तुझमें, क्या हुआ? निकल गई, दिखाना अकड़। उस दिन तो मैंने सॉरी बोल दिया था ना। वाइफ के सामने मुझे मार के यहाँ सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? सबके सामने मेरे बाप की धोती उतारी, हाँ? ये सब कुछ मैं इतने आसानी से भूल जाऊँ? आखिर कैसे? तेरे बाप को नहीं मारा तो वो मीडिया में आ जाएगा। वैसे और कौन है फैमिली में? एक मस्त जवान बहन है इसकी भाई। घूमता क्या है बे? हेलो। हाँ, मैंने पकड़ के रखा है उसे, आके काट डालो। वही रुक, मैं आता हूँ, मेरे आने तक कुछ मत करना। मेरे बाप ने गधों को पाल रखा है। हमारे छोटे साहब के हत्थे कोई चढ़ जाए तो वो जिंदा बचेगा क्या? ए, ए, क्या रहा है? क्या है, जाकर रोक उसे। ए, तू क्यों खड़ा है? तू भी जा। हाँ सर जी। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? सर जी। इस साल से हमारे कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड देने का फैसला किया गया है और पहला अवार्ड जीवा को दिया जा रहा है और इस पर हमें बहुत गर्व है। और अब मैं जीवा को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। जीवा को ये अवार्ड देते हुए हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। प्लीज जीवा से निवेदन है कि वो यहाँ पर आकर दो शब्द कहे। Thank you, sir. ये अवार्ड तो ओए, इतना बड़ा अवार्ड ले रहा है तू? स्टेज पे चढ़ के किसी को धन्यवाद किया तूने? ऐसे कितने अवार्ड ले चुका हूँ मैं, मालूम है तुझे? हाँ, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय कलेक्टर साहब का और प्रिंसिपल सर का ये अवार्ड देने के लिए। दरअसल ये अवार्ड मेरे लिए। ये अवार्ड तेरे अकेले का है, जिन्होंने सपोर्ट किया उन्हें धन्यवाद नहीं करना चाहिए? यहाँ तक पहुँचने में जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे प्रोफेसर्स, स्टाफ, मेरे सभी दोस्त, इन सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। दरअसल ये अवार्ड कैसे खड़े होके बातें कर रहा है? तुझे देखकर कौन इंस्पायर होगा? असल में ये अवार्ड लेते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे नहीं चाहिए अवार्ड, मैं इसे डिजर्व ही नहीं करता। अरे कितनी देर हो गई है, अभी तक सो रहा है तू? 9 बजे का इंटरव्यू था ना, 10 बज रहे हैं, चल जल्दी से उठ जा। क्या 10 बज गए? हाँ। पर आपने तो बोला था 9 बजे जाना है और आप मुझे अब उठा रहे हो। मैं तो तुझे 8 बजे से उठा रही हूँ, तू ही नहीं उठ रहा। क्या माँ, सपने में पापा परेशान करते हैं और सुबह उठते ही तुम शुरू हो जाती हो। ये सब रहना तो अवार्ड नहीं मिलने वाला मुझे। जब पढ़ाई करता था तो बिल्कुल नहीं सोता था, जब से कॉलेज खत्म हुआ है सोता ही रहता है, क्या करूं इसका? क्या हुआ, पापा घर पर नहीं है क्या? क्यों? नहीं ऐसे ही, वो बर्तन साफ नहीं हुए ना इसलिए।
चुप रहे। सुबह एक घंटे वो गाना गाकर गए हैं, अब तू नया राग मत शुरू कर। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए? दसवीं के बच्चों की स्पेशल क्लास है, उन्हें पढ़ाने गए हैं। इतने सालों में आप तो उन्हें समझ नहीं पाई, वो बेचारे नए स्टूडेंट्स क्या समझेंगे, उनके बारे में तो सोच के भी दया आ रही है। अरे ये तो मैथ्स टीचर है ना, तो फिर इंग्लिश क्यों लिख रहा है? तुझे हर बात की जल्दी रहती है, अभी सर खुद ही बता देंगे। अच्छा अभी पता चल जाएगा। डिसिप्लिन, इसमें डी अक्षर कौन से नंबर पर आएगा, तुम आकर लिखो। नेक्स्ट तुम आओ, आकर लिखो। इस थ्योरी के बारे में आप सब जानते हैं, इस शब्द का हर एक फील्ड में एक जैसा ही महत्व है। इसे देखने से अच्छा होगा तुम सभी इसका पालन करो। अगर शब्द को जोड़ें तो 100 आता है। अगर आप लोग भी इसका पालन करें तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, रोज छुट्टी का बहाना छोड़कर स्कूल में रेगुलर आना होगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। इसी से तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मानो ट्रेन पकड़ने हमें रेलवे स्टेशन जाना है, देर से पहुंचे तो क्या होगा, आप वक्त पर पहुंचे या ना पहुंचे ट्रेन निकल जाएगी। अगर हम डिसिप्लिन से चलें तो ट्रेन पकड़ने में कभी देरी नहीं होगी, वैसे ही हमारी जिंदगी की ट्रेन भी होती है। ये बात वो हर साल बताते हैं। चलो लेसन शुरू करते हैं। मुथु स्वामी। सर। ओ कोई आपसे। जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ। ठीक है सर। सभी से नोटबुक पे लिख लो। क्यों रे, तेरा दिमाग खराब रहता है क्या? सर। क्लास को डिस्टर्ब किया? सॉरी सर। पूरा दिन यहाँ वहाँ घूमते रहते हो, तुम्हारे चक्कर में उनका ध्यान भटक जाता है। अगर ऐसा करोगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? कोई आया हुआ था सर। कोई भी आया हो, तुम यहाँ कितनी देर रहते हो? 7 घंटे ना? हाँ सर। बाकी वक्त तो घर पर ही रहते हो? जी सर। अगर बहुत जरूरी बात है तो हम क्लास के बाद मिल सकते हैं ना, समझ गए ना? हाँ सर। आगे से तो ऐसा नहीं करोगे? नहीं सर। अभी ब्रेक हुआ है ना? जी सर। कौन आया है? वो बैठे हैं सर। अच्छा, क्यों भाई, सामने तो रहते हो और यहाँ मिलने आ गए? रास्ते में मेरा स्कूल पड़ गया क्या? क्या कह रहा है, तुझे मेरे दुख का अंदाजा भी है? क्यों, क्या दुख है तुझे जो तुझे यहाँ आना पड़ा? पता है जो जगह मैंने खरीदी थी? हाँ हाँ, तुमने ही तो बताया था मुझे। क्या हुआ उस जगह का? मुझे वो जगह बेचनी है। पैसों की जरूरत है? नहीं यार। तो फिर क्या? उस इलाके के सब लोग एक ही आदमी को अपनी जगह बेच रहे हैं। अच्छा दाम मिल रहा है तो बेच देना। अरे अच्छा दाम मिलता तो बात ही क्या थी यार, आधा रेट दे रहा है वो। हाँ तो फिर उसे मना कर दे। कैसे करूँ, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। क्यों यार, सीधे साधे आदमी हो, वो तुम्हारी जगह है, तुम्हारी चीज है, तुम्हारा पैसा है भाई। अच्छा ये बता, मांग कौन रहा? अंजी सेठ। कौन है वो? तू अंजी सेठ को नहीं जानता? भगवान को तो मानती नहीं हो, फिर आपने इस घर में पूजा घर क्यों बनवाया? इस शहर में सब मुझसे डरते हैं ये मैं जानता हूँ, लेकिन भगवान मुझसे डरते हैं या नहीं ये नहीं पता, इसीलिए ने बंद करके रखा है। ये चाहेंगे भी तो नहीं देख सकते, मैं चाहूँगा तभी देखेंगे। तुझे अपने पति पर डाउट है क्या? आप मेरे पति हैं, भला मुझे आप पर डाउट क्यों होगा? सही कहा, फोन की घंटी बज रही है। हेलो नेताजी, मैं बोल रहा हूँ। समझ गया, आगे बोल। अचानक मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मुझे अपनी बीवी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सारे पैसे मेरे वहीं पे खर्च हो गए। नेताजी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मैं जल्दी आपके पैसे वापस कर दूंगा। आपने कहा था इंतजार करने के लिए, पर वो तो फोन पे फोन किए जा रहे हैं। वो लोग आ गए क्या? कब के आ गए सेठ जी? अच्छा एक काम कर, तू फोन के पास जा और हाँ हूँ करता रह, जा। ठीक है ठीक है। नेताजी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? 150 एकड़ की बात हमने कर रखी है, सभी लोग जमीन देने के लिए मान गए हैं, उनमें से एक नहीं मान रहा। आप चाहेंगे तो हो जाएगा, आने वाले प्रोजेक्ट में आधा आधा कर लेंगे। सेठ जी आप जो दे दोगे वो हम रख लेंगे। मैं पार्टी ऑफिस जा रहा हूँ, इलेक्शन सर पर है, इलेक्शन निपट जाने दो, उसके बाद मैं देखूंगा कि मुझे क्या करना है। जी नेता, जाओ तुम लोग। नमस्ते नेता जी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना नेता जी? अगर मेरी बीवी की तबीयत खराब नहीं होती तो मैं आपके पैसे लौटा देता। ए मेरी बात सुन, ऐसा कर तू कल गांधीनगर में आ जा। गांधीनगर में क्यों? कैसी बात कर रहा है? तेरा बाप मरेगा तो भी नहीं आएगा क्या? नेताजी इज्जत से, 1 घंटे में पैसे लौटा दे। नेताजी ए, कितने सारे लोग एक साथ आ गए, 5 लोगों वाली गाड़ी में आना था ना। तू कुछ ज्यादा बोल रहा है। माफ करना सेठ जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कब आए? बस अभी अभी आ रहा हूँ सर, अभी पुलिस स्टेशन भी नहीं गया, सीधा आपके पास आ गया। आप कहीं जा रहे हैं क्या? काम है। कोई बंदोबस्त करूं? अभी तो सीट मांगने जा रहा हूँ, बंदोबस्त की क्या जरूरत है? आज तेरा पहला दिन है ना, तू पुलिस स्टेशन जा। ठीक है ओके, चल जा। इंस्पेक्टर साहब आपको कब बुलाना है, कैसे बुलाना है, हमको सब पता है, जब जरूरत होगी बुला लेंगे। चलो यहाँ से चलो।
दुनिया कैसे? तुम लोग यहाँ पर कैसे? खैर है भूमि, तू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की तरह पूरा तैयार हो क्या है? ए, तुम कैसे दोस्त हो यार? अगर खुद ट्राई किया होता तो चार पटाली होती आगे मुंह उठाकर। जितना पैसा तुम लोगों ने खर्च किया ना, उतने पैसे में तो भूमि फाउंडेशन बनाकर मैं उसका चेयरमैन बन गया होता। सब मुझे एजुकेशन फादर बुलाते। एजुकेशन का तो पता नहीं, लेकिन काम सूत्र का जरूर बन जाता। आज सिर्फ कॉलेज का लास्ट डे नहीं है, हमारी फ्रेंडशिप का भी लास्ट डे। हमारी फ्रेंडशिप का लास्ट डे क्यों भाई? हमने क्या बिगाड़ा है? लड़की नहीं मिली तो दोस्ती खत्म? अरे ऐसी बात नहीं है यार, फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट है, उससे मैंने एक मस्त लड़की पटवाई। अरे छोड़, इस काम के लिए अपना कॉलेज ठीक नहीं, दूसरे कॉलेज में ट्राई कर। सुन, इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, चल जल्दी। भूमि पीछे बैठ जा, आज तुझे कमाल की लड़कियां दिखाता हूं। चल। अरे ठीक है, मैं बैठे हुए बहुत दिन हो गए हैं यार। अबे अंधा है, मरना है क्या तुझे? बॉस, कोई भी बंदा एक लड़की के सामने बेइज्जत नहीं होना चाहता, और वो भी अपने वाइफ के सामने। लेकिन आपको भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। I'm sorry, sorry बॉस। ये उपचुनाव जीत गए तो 3 साल के बाद भी चुनाव हम ही जीतेंगे और बिना रोक टोक के सब राज करेंगे, ये बात आपको समझनी चाहिए। सुनिए, एमपी के इलेक्शन से आपका क्या लेना देना है? अरे यार, गाय बकरी चलाने वाले मंत्री बनेंगे तो ऐसे ही सवाल करेंगे, अगर हम कमजोर हो गए तो सीधी सीबीआई रेट पड़ेगी। रेट वेट छोड़िए, राज तो हम ही लोग करेंगे, फिक्र की कोई बात नहीं है। इलेक्शन में कभी राज करने वाली पार्टी हारती है क्या? इसी बात का तो डर लग रहा है यार, हारेंगे तो मीडिया के छोटे बड़े पत्रकारों को जवाब देना पड़ेगा। अभी जो मारा है उसके बारे में पूछेंगे, उस एरिया में किसकी चलती है? लगता है तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है भाई। वैसे नेताजी, ये हमारी तरफ से 20 सालों से खड़े हो रहे हैं, इस बार तो इनको हमारे साथ। ये कौन बैठा है? ए चश्मा इधर दे। 20 साल से हैं, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, शायद मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं। नेताजी, जल्द ही इलेक्शन आने वाले हैं, हर साल की तरह इस साल भी अगर हम डमी कैंडिडेट इसी को बनाएंगे तो पक्का जीत जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, अपने एरिया में इनकी बहुत पकड़ है, अगर हमने इस बार इन्हें खड़ा किया तो ये पक्का सीट निकालेंगे। बता भाई, कितना खर्च कर सकता है? मैं तो यहाँ आने के लिए भी अपनी पत्नी से पैसे लेकर आया, मेरे पास पैसे कहाँ है? लुक्खा है क्या, ये पैसे नहीं दे सकता। नेताजी, पहले एक बात क्लियर करिए, आपको पैसे चाहिए या सीट? अरे पैसे की बात नहीं है भाई। तो क्यों ना इसी आदमी को कैंडिडेट बना दें? ठीक है भाई, बहुत दिनों बाद पार्टी से कोई लुक्खा बड़ा बन रहा है, हमारे लिए तो सिर्फ जीत जरूरी है। ठीक है, तो इसको हम पार्टी से खड़ा कर दें। तो फिर तय रहा, आने वाले चुनाव में हमारी पार्टी से। नेताजी की जय हो। अरे अंजी आओ। देखा सेठ जी, आप आए हैं और कोई खड़ा होकर नमस्ते तक नहीं कर रहा है, सारे बैठे हैं। जाने दे बेचारों को, अभी तो बैठने के लिए सीट मिली है, थोड़ा तो आराम करने दे। कहाँ बिठाओ इनको, चल 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 चल। सेठ जी यहाँ पर बैठिए। क्यों नेताजी, बेटी मिली या नहीं? हाँ मिल गई। क्या भाई, वापस बेसिक मेंबर बनने के लिए आए हो क्या? नेताजी, इस बार मैं सीट मांगने के लिए आया हूँ। अभी अभी तेरा वक्त बदलने वाला था, पता नहीं कहाँ से ये मनहूस आ गया, अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। ए, तुझे पार्टी से बाहर करने के बाद से ही हम राज कर रहे हैं, रिश्वत लेने वाले नेता को बाहर निकालने के लिए जनता में वोट दे रही है, तुझे फिर से जोड़ लिया तो लोग क्या समझेंगे? मीडिया के लोग सवाल पूछ पूछ के नाक में दम कर देंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं ना, इनमें से किसी एक का नाम बता दो जिनकी फोटो रिश्वत लेते हुए अखबार में ना छपी हो। सबके मुंह लटक गए, बात समझ में आ गई लगता है। ए, तूने कहा था राजनीति नहीं करूंगा तो वापस क्यों आ गया? तो आ गया ना, इस उम्र में सबके पीछे पीछे घूमना, हाथ पैर जोड़ना, सबके दरवाजे पर जाना, ये मुझे पसंद नहीं। उस बुढ़ो को देखो, वो मिनिस्टर बना बैठा है, 3 महीने से मैं एक पुलिस वाले का ट्रांसफर करने के लिए कह रहा हूँ, किसने बना दिया इसको मंत्री? इसको पुलिस की स्पेलिंग तक नहीं आती। हाँ। पहले भिखारी के जैसा था, अब महाराजा बन के घूम रहा है। हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है मंत्री जी। सुनो, ये सब एमएलए के इलेक्शन में देख लेंगे, ये एमपी का इलेक्शन है यार। मैं सीट मांगने आया हूँ, मुझे जवाब दो, ये बताओ मुझे सीट दोगे या नहीं? मुझे ये सीट चाहिए और जीतूंगा भी मैं ही, ये देख लेना तुम। आप सीट निकाल लेंगे क्या? कलेक्टर के जैसा बात मत कर, कलेक्टर ऑफिस में झाड़ू मारता था तू। मरने के समय अगर सीएम रहा तो मेरी मूर्ति लगेगी, इसीलिए तो सीएम बनने के लिए मरा जा रहा हूँ। उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मस्त बैंड बाजे के साथ मैं तुम्हें दफनाऊंगा और बड़ी सी मूर्ति लगाऊंगा तुम्हारी, ये मैं तुम्हें जुबान देता हूँ। तुम चुप रहो ना, क्या कहते हो, इसे कैंडिडेट बना दें क्या?
ठीक है, हम अपनी पार्टी की तरफ से अंजेश्वर सेठ को इंट्रोड्यूस करते हैं। ला जल्दी दे। ये लीजिए, ये वाली। क्या कर रहे हो, ये विरोधी पार्टी की धोती है। अगर आप सीट नहीं देते ना तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं था। ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। सुनो तो मैंने साथ लेकर काम शुरू करो। ठीक है नेताजी। अरे आट 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 साइड हो साइड हो। अरे नेताजी आ रहे, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अरे चल पीछे हो पीछे हो पीछे हो। अरे हाथ ऊपर बांध लो भाई, चल पीछे हो जा। अरे पीछे हो ना। अरे यार ये मेरे बाप को जानता है। तो क्या हुआ, ये मेरे बाप को बोल देगा। चल 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 निकल। ये भी तो यहाँ पे बैठ के दारू पी रहा है, तू डर क्यों रहा है? इधर आ जरा। अरे तू भी ना। नमस्ते बेटे, तू यहाँ ठेके पे क्या कर रहा है? अरे अंकल फ्रेंड का बर्थडे, बस इसीलिए आए थे। जाओ जाओ। अरे अब चले यार, बच्चा जवान हो गया। अरे यार ये मेरे बाप का दोस्त बैठा हुआ है। मेरे दोस्त आज हम सवेरे तक पीने वाले हैं। अरे जल्दी खोलना यार। अरे क्लास को फर्स्ट राउंड में फेंक दिया। कैसे पता चलेगा कि हमारा पहला राउंड था? अब हम ग्रेजुएट हो गए हैं और 5000 रुपए होता क्या है? अबे बस की टिकट और दूध के पैकेट खरीदने में खत्म हो जाएगा। मुझे पढ़ा लिखा कर मेरा बाप क्या करता है जानते हो? सबको जाके बोलता है मेरे बेटे ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं क्या करूँ बताओ? मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये करके हमें क्या मिलेगा बताओ? किसी कंपनी में सड़ना तो गर्मी में ही पड़ेगा ना। क्या गलत बोला मैंने? नहीं तू बोल। ए, इसकी इम्पोर्टेंस तुझे अभी नहीं समझ में आएगी, कुछ भी बकवास किया जा रहा है। हा? इसकी भी इम्पोर्टेंस है क्या? देख अभी हम यहाँ पर बैठे हैं लेकिन यहाँ पर भी हम अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के बिना कुछ भी नहीं है। अबे कैसी बात कर रहा है तू? इतने सालों में ये सब कुछ मेरा कंट्रीब्यूशन है, तूने क्या कंट्रीब्यूट किया? इस बोतल की जो कैप है ना हमारी वजह से बनी है, और ये ओपनर इसे भी तो हम ही ने बनाया है। देखो वो आदमी इतना पीने के बाद भी आराम से लैपटॉप चला रहा है, वो लैपटॉप भी हमारा ही बनाया हुआ है। छोटी सी स्क्रीन से लेकर प्लेन तक हमारे कंट्रीब्यूशन के बिना कुछ भी नहीं है। एक बात बता, तूने पढ़ाई के बारे में इतना कुछ बता दिया तो क्यों हमें पढ़ाई की वैल्यू में जितना काम नहीं मिलता? क्यों हम भूखे मरते हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके एक फायदा जरूर हुआ है कि बाकी डिपार्टमेंट के लोग हमसे डरते हैं। ये सब सुनने के लिए आया है क्या? ये क्या बोल रहा है यार? दोस्त जरा सिगरेट देना। अरे माचिस है क्या? माचिस चाहिए तुझे? ओ भाई ए रहने दे, अपना बंदा बैठे ना। वेट एंड सी। गुड इवनिंग अंकल। अंकल नमस्ते। माचिस है क्या आपके पास? है क्या? अरे माचिस ही तो मांगी है, ऊपर नीचे मसाज क्या कर रहे हो? नहीं है। कितने साल से पी रहे हो? 12 साल से पी रहा हूँ। 12 साल से? 12 साल से पी रहे हो तो ठेके में अंदर आने से पहले माचिस रखनी चाहिए, अभी नहीं पता क्या तेरे को? अच्छा ये सब छोड़, जब मैं अंदर जा रहा था तूने कुछ बोला था ना, अच्छा लाइन बोला था, बच्चा भी पीने लगा, ऐसे ही कुछ बोला था ना तूने, है ना? तू भी तो 12 साल से पी रहा, तूने क्या उखाड़ लिया है? कुछ उखाड़ा क्या? बिना माचिस के ठेके में आ रहा है और मुझे बच्चा बोल रहा हूँ भाई, भाई सॉरी। अब सीधा मेरे मुंह पे बोल। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला बेटा। अंकल ए बोल ना। कुछ नहीं बोला भाई, इज्जत से घर जा। इज्जत से? नो मैं आगे जा रहा था, तूने पीछे से कमेंट किया। क्या बोल रहा था ये बता इसको, पेट में घुसा दूंगा। चलो रे बहुत हो गया, निकलते हैं यहाँ से। चलो चल ए, चल बे कितना खून पिएगा इसका, फिर से आऊंगा। अबे चलना यार उठ। क्या कर रहा है? चलना यार। क्या हुआ अंकल आप इस वक्त यहाँ? कुछ नहीं हुआ बेटा, बस ऐसे ही टहल रहा हूँ। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तबीयत को कुछ नहीं हुआ। ठीक है अंकल मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। अरे माँ आप सोए नहीं अभी तक? तेरे आने से पहले कैसे सो जाती? मेरी सोच एकदम अलग है, भले ही आपके पति देव इसे अनुशासन कहें, जब आप मेरे लिए जाग रही होती हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन्हें उठाकर बता दूं? खाना खाया? खा लिया। ब्रोकर ने खिलाया क्या? कितनी बार बोला है माँ उसे ब्रोकर मत बोला करो। अच्छा उसी के यहाँ खा के आया? हाँ उसी ने खिलाया है। देखो कितनी देर हो गई है, जाओ सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। हे भाई ये अलार्म अपनी बेटी को उठाने के लिए लगाया है या पूरे मोहल्ले को? सुनाई दे रहा है, जा रहा हूँ बंद करने। सारा खानदान ही पागल है। अरे वाह एकदम फ्रेश लग रही हो। मैं 4 बजे उठी थी, नहा धोकर देखा तो 5 बज गए थे और
6 बजे जाना था। पर 6:45 बज चुके हैं बेटा। अरे नहीं, आज मेरा इंटरव्यू है। लेट हो गई हूँ। पापा ने कॉफी भी नहीं दी। जरा भी फिक्र नहीं है मेरी। Where's my bag? हंगामा क्यों कर रही हो? मेरा बैग कहाँ है? सामने ही टंगा है, जरा देखो तो। अरे पर कॉफी तो पी लो। भूखे पेट जाओगी। मैं आंटी के यहाँ से पी लूंगी। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि तुम मेरी बेटी हो या आंटी की। बाय पापा। अरे बेटा, स्कूटी पंचर हो गई थी मुझसे, आज ठीक करवा दूंगा। किसने कहा था पापा से स्कूटी ले जाने के लिए? पंचर करके खड़ी कर दी। आज मेरा पहला इंटरव्यू है और मैं लेट हो गई हूँ। आंटी, आंटी आ गई। अब आते ही कॉफी मांगेगी। अरे कीर्ति, आंटी कॉफी। एक मिनट। क्या है? चलो अच्छा? जल्दी बोल। हमेशा आफत की तरह आती है जैसे कोई अर्जेंट काम हो। कॉफी पी और यहाँ से निकल। कॉफी ठंडी है, जाकर गर्म करके ला। देख तो सही, अभी गर्म करके लाई हूँ। तो फिर ठंडी कर ला, तब तक तेरे भाई से मिलकर आती हूँ। सो अराउंड, डिस्टर्ब मत करना, जो बोलना है दूर से बोलो। अरे तू सो नहीं रहा है क्या? काम क्या है बोल। तो मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दे। क्यों? स्कूटी पंचर हो गई है। वहाँ ऑटो नहीं जाता क्या? तुझे ऑटो से क्या लेना देना? तू मुझे छोड़ रहा है या नहीं? कितनी बार समझाया तुझे, समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार बता चुका हूँ अपनी बाइक पर मैं अपनी माँ और बहन के अलावा किसी और को नहीं बिठाता। तू कहीं का राजा है क्या? थोड़ी जल्दी है इसलिए पूछ रही हूँ, ज्यादा भाव मत खा, ठीक है? मैं तेरा ड्राइवर हूँ क्या? कॉफी पीने आई है, कॉफी पी और जा, मुझे सोने दे। ठीक है ठीक है, आज तूने मेरी हेल्प नहीं की, कल जब तुझे जरूरत पड़ेगी फिर देखूंगी तुझे। तो क्यों सुबह सुबह उसे तंग करती है? आपके बेटे के बारे में कुछ बोले तो आपको मिर्ची लगती है। अरे अरे आराम से, गर्म है। अंकल डिसिप्लिन क्या है आप तो जानते हैं ना? तू मुझे बता रही है? सुबह सुबह 6 बजे उठना ही डिसिप्लिन है। पर मैं तो सुबह 6 बजे उठकर मार्केट से सब्जी लेकर भी आ गया। अरे आप नहीं, अंकल अंदर जो सो रहा है वो। अच्छा तो वो है तुम्हारी प्रॉब्लम, उसे मैं सबक सिखाता हूँ, तुम आराम से काम पे जाओ। थैंक यू अंकल। संभल कर जाना। जी अंकल। सुनो साहब, अभी भी सो रहे हैं क्या? कब का चला गया? तुम क्यों झूठ बोल रही हो? स्वाति ने बताया मुझे अभी। आप खुद ही देख लीजिए। हैं? भाग गया। चाय के पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों भाई? इतनी गंदी चाय है। जीवा तूने रात में क्या कहा था? मैं भूल गया। ओह हाँ, गाना गाया था लेकिन मैं भूल गया। मैं भी ना, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे दोबारा पिलानी पड़ेगी। सुबह सुबह दारू पिएगा, ऐसा कर इसे एक और चाय पिला। चाय नहीं पीऊंगा मैं। अरे रुक रुक रुक, वॉक करने के लिए कहा था, ये तो रनिंग कर रहा है। ए, मैं धक्का मारता दिखता नहीं क्या? अरे उठाओ नहीं यार, इसको शराबी है ये। ए, क्या रहे सुबह सुबह पी ली है? हमको भी देना थोड़ा सा। हमारे खिलाफ बोलता है? अरे बीच सड़क पे मार डाला रे। अरे अरे कहाँ गए, कहाँ भाग रहे हो? अरे रुको मैं भी आ रहा हूँ। अरे रुको। अरे कहाँ से भाग क्या रहे यार? भाग कर आ गए। हुआ क्या? सेल्फी लेकर फेसबुक पे डाल देना था यार, 1000 लाइक मिलते। भाग कर क्यों आ गए? जॉगिंग की सेल्फी लेनी थी क्या? ए, वहाँ बीच सड़क में एक आदमी को काट डाला। क्या कर रहा है यार? पूरा सीन ही फिल्मी था, ये लोग डर के मारे मुझे वहीं पर छोड़ के चले आए। अरे यार उन्होंने मार डाला उसे, उनके हथियार देखे थे तुम लोगों ने, मैंने सोचा क्यों पंगा लें। ए, जैसे उसे काटा ना, हम तो मुश्किल से जान बचाकर भागे। तुम लोग तो बच गए यार। ए, अरे, क्या कर रहा है यार तू? पानी क्यों गिरा रहा है? अरे हेलो, का पानी है यार। हाँ पापा, तुम आ रहे हो ना? हाँ 10 बजे तक पहुँच जाऊंगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। कोई दिख नहीं रहा, लगता है आज इंटरव्यू नहीं है इसलिए कोई नहीं आया होगा। देखा ना सर, सिर्फ मैं ही अकेली करेक्ट टाइम पर आई हूँ। मैं बहुत जिम्मेदार हूँ सर। ऐसा तुम सोचती हो? तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया है, कभी करेक्ट टाइम पर आई ऑफिस में? हमेशा लेट। नहीं सर। क्या नहीं, कैमरामैन 1 घंटे से आया हुआ है, जिस गेस्ट का इंटरव्यू लेना है उसे भी आए हुए 1 घंटा हो गया। अब इंटरव्यू खत्म होने का टाइम आया तब तुम पहुँची हो, है? अब चैनल में तुम्हारा क्या काम? सर बातें करते करते 15 मिनट हो गए, मैं जाकर इंटरव्यू लेती हूं। 1 मिनट पहले से ही चल रहा है, अब तो खत्म होने का टाइम आ गया। सर सर कुछ नहीं, ये 500 रुपए पकड़ो और MD के घर जाकर इसे दे दो, ठीक है? सर ये मैं कैसे? यही तुम्हारी पनिशमेंट है। मैं देख कर आती हूँ। नहीं, अब तुम कल सुबह आना, लेकिन करेक्ट टाइम पर आना। ओके आउट। एक मिनट। आया सर। क्या हुआ भाई, इतने गौर से चप्पल को क्यों देख रहे हो? चप्पल उतारनी पड़ेगी। दिख नहीं रहा सबने उतारी है, तुम क्या कहीं के नवाब हो? नहीं वो चप्पल रखने का स्टैंड नहीं है ना, वो उधर कोने में है, वहाँ कोई चप्पल नहीं निकालता। आज तो काम हो जाएगा। आ जाओ मैडम, मैं आपका काम करवाता हूँ। सर ये बेचारी बहुत दिनों से आ रही है, आप प्लीज इनका काम कर दो ना सर।
थैंक यू भैया। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, आपका काम हो जाए ना तो कल आकर ऑफिस से अपनी फाइल ले लेना। भैया अरे बाप रे कमाल है, चप्पल स्टैंड ही छुपा दिया, जीनियस। भाई हुँ? भाई आपने सबकी चप्पल उठा कर रख दी? तो क्या हुआ, चप्पल स्टैंड में रखने में वक्त ही कितना लगता है? 5 मिनट तो लगा ही होगा ना। अगर इनकी तरह मैं भी चप्पल बाहर छोड़ के चला गया ना तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, खामखा मेरी क्लास लग जाएगी यहीं। चलेगा? अच्छा? क्या वो है कौन? आज तो मैं उनसे बच गया। क्यों, क्या हो गया? हाँ सर आया। जीवा जी, वरदराजन आए तो इंतजार करने के लिए बोलना उन्हें, मैं अंदर से चेक लेके आता हूं। पापा ओके। मुझे पहले से पता था आप आएंगे, आपका चेक तैयार है। थैंक यू। लीजिए सर। अंकल आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे पापा के साथ जा रहा हूँ कहीं। जीवा हाँ, इस चेक को आज ही बैंक में लगा दो। जी मैं इनके साथ वकील को मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पापा। चलो चले। सर ये आपका बेटा है? हाँ तो? अनुशासन को बहुत मानता है सर। ये बात इसके जाने के बाद बोलनी थी ना, इसके सामने ही बोल दी। चल तू जा, चलो। जी। खुद तो तारीफ करेंगे नहीं और दूसरों को भी नहीं करने देंगे। क्यों मारा बे? तेरे बाप का राज है, तू सड़क पर किसी को भी काट देगा? एक तो बड़ी मुश्किल से सीट मिली है, मेरा नाम खराब करेगा क्या? ध्यान से सुन ले, इलेक्शन होने तक शांत रहे, कोई यहाँ दिखना नहीं चाहिए। चल निकल यहाँ से। चल चल यहाँ से, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देख प्रभु, सीट के चक्कर में बहुत खर्चा हो गया है, जीतना बहुत जरूरी है। अपने चेले चपाटों को चुप रहने के लिए बोल, कोई भी प्रॉब्लम खड़ी नहीं होनी चाहिए, जीतने के बाद सबसे निपट लेंगे। ठीक है सर। ये लो। ये क्या है मैडम? पैसे हैं और क्या। कितना है ये? 150। 250 बनता मैडम। 250 कैसे? क्या कैसे, 250 हुआ मीटर में तो देना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जाने के 75 और आने के 75 150 हुए, और जो सारे शहर में घुमा रही थी उसका कौन गिनेगा? ये सब बात मत कर, पहले ही मैं बहुत गुस्से में हूँ, सब तुझ पर निकल जाएगा। चुपचाप 150 ले और निकल यहाँ से। निकलूं यहाँ से? हाँ। पहले लेफ्ट लो राइट लो और पैसे देने की बारी है तो निकलो। ओह तू ऑटो वाला है ना, लेकिन सारा रास्ता मैंने तुझे बताया, इसलिए अब तुझे मैं सिर्फ 100 रुपए ही दूंगी, ये ले पकड़। ये क्या, मैं 100 नहीं लेने वाला। अब मैं तुझे पैसे ही नहीं दूंगी, जा। ए, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप मेरे पैसे दे सारे। देख 150 दूंगी फाइनल। मेरा 250 बनता है पूरा। नहीं मानेगा? ठीक है अपना आईडी कार्ड नहीं मेरे पास, लाइसेंस भी नहीं है। नाम क्या है तेरा? नाम क्या क्या करेगी अपने हा? एरिया का यूनियन लीडर हूँ मैं, जानती मेरे को? कैसी यूनियन, कौन सा एरिया? देखो मैडम मेरे को मेरा पैसा चाहिए। देखो मैं कौन हूँ सो जानता नहीं? अरे आपका जो भी हो, क्या फिर इसका पैसा मारोगे? पता नहीं किधर किधर जा जाते हैं। ऑटो आईडी नंबर बता। आईडी नंबर क्या को बताऊँ आपको मैं, मेरा ऑटो है, मैं नहीं बताई। मुझे दिमाग खराब कर दिया। अरे क्या कह रही है मैडम? दिमाग खराब कर दिया भैया। ओ भैया। हाँ भैया कितने पैसे हुए? अच्छा इतनी जल्दी भूल गई? मेरी बात तो सुनो ना भैया, जाते वक्त 75 और आते वक्त 75, 150 हुए ना? कितने हुए? ओए कितने पैसे हुए तेरे? फिर से वही पे आ गई। हाँ बे 250 बोला ना? 250 मांग रहा था ना, ले पूरे 500 रख ले, दोबारा मेरे एरिया में दिखा ना तेरा खून कर दूंगी। के क्या पागल लड़की है, पहले 250 नहीं दे रही थी, ये 500 देके जा रही है। मुझे इग्नोर करके अंदर चला गया, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आंटी आंटी क्या हुआ, मैं नारियल ग्राइंड कर रही हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? बाहर कितना लफड़ा हुआ पता है? वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ जब पास में होते हुए भी आपके बेटे को कुछ नहीं दिखा तो आप तो उसकी माँ है, आपको कैसे दिखेगा कुछ? अच्छा अच्छा तो ही बता क्या हुआ। सुबह मैं लेट हो रही थी तो माँ इससे पूछोगी तो बड़ा चढ़ाकर बताएगी, असलियत मुझसे पूछो। माँ अगर किसी बंदे का किसी बंदी से झगड़ा होगा ना तो पब्लिक किसको बोलेगी? आदमी को। सारा मोहल्ला इसका तमाशा देख रहा था, बेकार में ऑटो वाले से। ये तो मुझे ही नहीं बोलने देती, सोचो ऑटो वाले की क्या हालत हुई होगी। एक तो सबके सामने ऑटो वाले पर अकड़ झाड़ रही थी, बेचारा फंस गया इसके चक्कर में, ऊपर से चाहती है मैं इसका साथ दूं। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। मेरा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता और मुझे अच्छे से पता है तू एक नंबर की झूठी है। अब बोल। पूरे घर वालों ने मिलकर मुझे रुला दिया। आंसू तो दिख भी नहीं रहे, नौटंकी कहीं की। चुप हो जा, बच्ची को रुला दिया, देख कितना रो रही है। सेठ जी की बात कर रहे हैं? जी सर। सुनो मैं इनका फैमिली लॉयर हूँ, आप उन्हीं की कंप्लेंट मेरे पास लाए हैं, उन्होंने बहुत लोगों के साथ गलत किया है ये सब मुझे पता है, और आप चाहते हैं मैं इनके खिलाफ जाऊँ? आप शहर के इतने बड़े वकील हैं इसलिए आपके पास आए हैं, आप ऐसा कहेंगे तो कैसा चलेगा? नमस्ते सेठ जी। अबे तू काहे का वकील है? MBBS पढ़ के वकील बना क्या तू? जैसे एक पाइप में अच्छा पानी आता है और गंदा पानी भी आता है, वैसे एक पार्टी में अच्छी बातें भी होती है और बुरी बातें भी। ये बातें सुनकर नेताजी को कितने लोग नोटिस भेज देते हैं। तू मेरी बात सुन, इसके बाद अगर नेताजी को किसी भी तरह का नोटिस आया ना पर सर
ये मेरे दोस्त हैं। आपके लोग इनकी जगह जबरदस्ती धमकी देकर छीन रहे हैं। ये आखिरी होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई नोटिस आया तो इन लोगों को मारने से पहले तेरा काम तमाम कर दूंगा। फालतू में चार असिस्टेंट रखे हैं, एक भी काम का नहीं। अरे तू चल, चल। तुमसे पहले वो मुझे मार देगा। खड़े क्या हो, जाओ। चलिए। माँ, मेरा रिजल्ट। अरे, बगल में ही तो है। पापा। हाँ बेटा। पापा कब से कोशिश कर रही हूँ, ये सोल्व भी नहीं हो रहा है। माँ, ये पापा इतने गुस्से में क्यों हैं? पता नहीं, ये तो हमेशा ऐसे रहे। ये वाला? हाँ पापा, यही। देख कैसे पटा रही है। साहब जी। अरे पांडे, आओ आओ। साहब, ये फॉर्म भरवाना था। लोन लेना है? गाय खरीद रहे हो क्या? नहीं साहब, बेटी को कॉन्वेंट में भर्ती करवाना है ना, इसीलिए मैं रात भर वहीं रुक गया और सुबह देखा तो वहाँ बहुत भीड़ थी। मैं फार्म लेकर सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ साहब जी, ये देखिए। तो बड़े स्कूल में पढ़ाओगे उसे? फार्म की फीस ही 500 रुपए है। होगी भाई। कल आकर मुझसे ले लेना। अगर आप भर देते तो मैं कल दाखिला करवा देता, पर पहले ये अटेस्ट कराना होगा। क्या मतलब? दस्तखत करवाना है। मैं करवा लेता हूँ, तुम इसे कल आकर ले जाना। ठीक है, ठीक है साहब जी। जीवा, नमस्कार। यस, ये फॉर्म भर के यहाँ नहीं देना, नीचे ऑफिस में देना। वो बात नहीं सर, इस फॉर्म के 7वें पेज पर क्या लिखा है देखिए तो सही। बैठिए। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। मैंने पढ़ा सर, टर्म्स एंड कंडीशंस तो एकदम ठीक हैं, लेकिन इस फॉर्म की कीमत 500 रुपए और पैसा वापस नहीं करेंगे, ये पहले पेज पर लिखा हुआ है। लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये फॉर्म ले कौन सकता है और वो इसके लिए क्वालिफाई करता है या नहीं। इस तरह से तो उसका पैसा बर्बाद होगा ना सर। अब ये बात हम किस किस से पूछते फिरेंगे? किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है सर, आप एक नजर में पहचान सकते हैं कि वो आदमी पढ़ा लिखा है या नहीं। कम से कम आप उसे बता सकते हैं कि फॉर्म भरने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस स्कूल में उसके बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। उसके 500 रुपए तो बचेंगे। आज तो तू फंस गया। आपके पास एडमिशन के लिए सिर्फ 50 सीट है, लेकिन आपने 7000 फॉर्म भेज दिए। पढ़े लिखे लोग भी अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए खुशी खुशी आपके स्कूल से फॉर्म ले जाते हैं। अब उन पढ़े लिखे लोगों के बारे में मैं आपसे क्या ही कहूँ। फॉर्म को ना पढ़ना उनकी गलती है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनका क्या, वो तो ये रूल्स नहीं जानते। वो तो बस यही चाहते हैं कि भले ही उन्होंने किसी बड़े स्कूल में पढ़ाई ना की, पर उनका बच्चा जरूर पढ़े। इसीलिए वो आपके यहाँ आकर लाइन लगाकर फॉर्म लेकर जाते हैं। 500 रुपए कमाने के लिए उस दूध वाले को 50 घरों में दूध बेचना पड़ा होगा। वो बड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप उतनी ही आसानी से पैसा डकार लेते हैं। पढ़ाई सबके लिए जरूरी है ऐसा बोलकर इसे आपने धंधा बना लिया है। आपके स्कूल की पढ़ाई किसी गरीब बच्चे के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए है। भगवान के लिए अपनी सोच बदलो और सबको सच बताकर फॉर्म बेचो। चल जीवा। यार उस दिन ना सच में बहुत मजा आया। आपको सर बुला रहे हैं। किस लिए? चाय पानी के लिए बुला रहे होंगे। चलो। मुझे भी आना है क्या? चलो। अच्छा, अगले हफ्ते बुधवार को आ जाना। चलना, पुलिस का मैटर है, आजा देख लूंगा मैं। हाँ, ए, चुप क्यों रहा है बे? नहीं सर, बस वो खाकी देख के डर लगता है। क्यों? इस मैटर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक दूंगा खींच के, जो पूछता हूँ वो बता। अच्छा, 2 दिन पहले इस एरिया में मर्डर हुआ था, तुम लोगों ने देखा था क्या? कुछ नहीं देखा सर। नहीं देखा? नहीं देखा सर। चाय पीने तो इसी दुकान पे आया था ना, फिर देखा कैसे नहीं? आए तो थे सर, पर जल्दी चले गए थे। टाइम क्या था? चाय पीते वक्त टाइम कौन देखता है सर, कल काम था तो चले गए, आज नहीं था तो खड़े हैं। ठीक है, कल कोर्ट आ जाना गवाही के लिए। पर हमें क्यों कोर्ट आना पड़ेगा? मर्डर होते हुए नहीं देखा? सच में नहीं देखा? एक काम कर, कोर्ट आ जा कल। तुम चारों ने ही मर्डर किया है, ये गवाही दे देना कल। हम ये नहीं करेंगे सर। ए पांडो, गाड़ी में डाल इनको। लेकिन गाड़ी में क्यों? क्यों? मुझसे सवाल करेगा, पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना मना है, जानता है ना? चलो बैठो। अब आप बात पढ़ा रहे सर। अब तू कौन प्रेस? है सर, प्रेस। प्रेस की सर। ए, पुलिस वाले का हाथ पकड़ा? अभी बताता हूँ तुझे, चल गाड़ी में बैठ। चल, छोड़िए ना सर, छोड़िए, ये सब कॉलेज स्टूडेंट है सर, बिना बात के मैटर बढ़ जाएगा। इसकी दोस्त भी प्रेस वाली है सर, समझा करो सर। तो बेना, कौन मरा है पता है? हाँ, किसी का नाम तो पेपर में आना चाहिए ना।
कैसी बात कर रहा है तू? इसी एरिया के हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं। इनको पकड़ के कोर्ट में पेश करूंगा ना तो सारा केस खत्म हो जाएगा अपने आप, और किसी को पकड़ूंगा तो केस च्युइंगम की तरह खींचता चला जाएगा। समझ रहा है मेरी बात? मैं कुछ करता हूं ना सर। आइए सर, आइए सर, आइए। तू इस एरिया का है ना, बच के रहना मुझसे। चल गाड़ी निकाल। इन दोनों का हमेशा यही काम है, मैं ही मिलती हूँ इन्हें परेशान करने के लिए। दिमाग खराब कर दिया है। पापा देखो भैया आ गए। तो क्या हुआ, आने दो। बाप बेटे दोनों जब घर पे रहते हैं ना तो मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। एक मना करता है, दूसरा मुझ पर चिल्लाता है। ये क्या, ये तो मेरा ही है। कोयम्बटूर में तुम जाओगे ना? जरूर जाऊंगा। देखा अभी तो यहाँ हाँ बोलकर अंदर गया है, अभी तेरी माँ कॉफी लेकर इसके पीछे पीछे रोकने जाएगी। आपको कैसे पता? बस पता। बहुत स्मार्ट है बाबा आप तो। अरे अभी जाकर उन्हें सच बता दे, बाद में वो नहीं मानेंगे। मैंने कब झूठ बोला? वो तुझे कोयम्बटूर भेज रहे हैं। तो मैं कोयम्बटूर जा ही तो रहा हूँ ना। अरे तू मुझे और अपने फ्रेंड्स को छोड़कर चला जाएगा? ये क्या बात हुई माँ, मैं आपको और दोस्तों को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहता। कम से कम इनसे तो पीछा छूटेगा। बस मैं 2 साल शांति से गुजारना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग जाने नहीं दोगे। कॉफी पिलाने के बहाने आई थी, लेकिन मैं ही पागल हूँ। तू भी जा, अपने बाप को भी ले जा। माँ कॉफी तो पिला दो ना। बना के पी ले। ये डैनी कहाँ चला गया? अरे आप कैसे हैं आप? ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? मैं अपने दोस्त से मिलने आया था। अच्छा वो आपके बेटे का एडमिशन हो गया क्या? हाँ हाँ भैया जी, आपके पापा ने दूसरे स्कूल में करवा दिया। बहुत अच्छा स्कूल है, फीस भी बहुत कम है। अच्छी बात है। एक मिनट भैया जी, चलता आपसे बाद में बात करता हूँ। हेलो वर्धराजन का रिश्तेदार है क्या? लाओ भाई। सर आपका सामान। नमस्ते सर। उस आदमी के रिश्तेदार आ गए क्या? ये रहे सर। तो क्या लगता है उसका? उसका पड़ोसी हूँ सर। उसका अपना कोई नहीं है क्या? नहीं सर, बस एक लड़की है। पिता और बेटी हैं, मैंने 15 साल से जानता हूँ। चल छोड़ वो सब, वो लड़की आके दस्तखत करेगी या वो भी मर गई। सर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, पहले ही वो अपने पापा की मौत से दुखी है। आप तो कम से कम थोड़ी इंसानियत दिखाइए सर। अरे अगर सबसे प्यार से बातें करता रहा ना तो 2 दिन में 2 केस भी निपटा नहीं पाऊंगा। अब तू ये बता वो लड़की दस्तखत करेगी या नहीं? सर मैं दस्तखत करता हूँ ना, मैं स्कूल टीचर हूँ, कुछ दिक्कत होगी मैं संभाल लूंगा सर। बाप रे तू इतना बड़ा आदमी है क्या? पापा हुआ क्या है बताइए ना। तू रुक अभी। लो ये भी आ गया, बता दीजिए ये खुद निपटा देगा उसे? सर मैं अपने स्कूल की डिटेल देता हूँ, मैं साइन करता हूँ ना सर। ठीक है ठीक है, साहब नहीं रहता ना, चल जा कर दे साइन। ए पांडे। जी सर। साइन ले ले इस घोचू का। सर जरा इज्जत से बात कीजिए। क्या बोला सर? कुछ बोला तू? बाप के सामने हीरो बन रहा है सर। आप इनके मुंह क्यों लग रहे हैं सर? जाने दीजिए सर, आप अपना लेवल देखिए सर। लेवल? हाँ तुझे बड़ा लेवल पता है, चल जा जा साइन लाइन का। बच्ची को यहाँ से ले जाइए।
है माँ, इसका ध्यान रखना। तेरहवीं का काम पूरा हो जाने के बाद आप अपनी लड़की को ले जा सकते हैं। अब अपनी ही बेटी को ले जाने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आप मुझसे परमिशन लेने की बात क्यों कर रही हैं? लड़की क्या चाहती है उससे तो पूछ लीजिए। मैं जानता हूँ आप सही कह रही हैं, लेकिन इतने साल से आप कहाँ थी, वो क्या पढ़ रही है, कैसी हालत में है, कुछ पता है आपको उसके बारे में? और अब पता नहीं अचानक कहाँ से आ गई और उसे ले जाने की बात कर रही है। मतलब आप इसे नहीं ले जाने देंगे? ये मैंने आपसे कब कहा, लड़की अगर आपके साथ जाना चाहती है तो बिल्कुल चली जाए। आइए, आप हमें 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज आप इस बात में जल्दबाजी मत कीजिए। खाना खाया? उसने अब तक पानी भी नहीं पिया, हम खाना कैसे खा सकते हैं? चल, छोड़ो मुझे। अरे चल, चलो। अरे चल, चल। मुझे नहीं चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। छोड़ो मुझे जल्दी। हमारे गांव में सब लड़कियां बेकार, सब दुबली पतली। अब देखना अगले मुहूर्त में ही इससे शादी कर लूंगा मैं। तेरी शादी के लिए मैं गाड़ी और बाउंसर लाया हूँ ना, जो मन में आता है बोल देता है तू। मुझे शादी नहीं करनी, मैं यही रहूंगी, मुझे जाने दो। चुप कर वरना मारूंगी खींच के। ये अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? हाँ देखो तो ये हीरो सामने आके खड़ा हो गया, चल इसे देखते हैं। सामने से बाइक हटा। लड़की को नीचे उतार। लड़की ले जाने के लिए तेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी क्या? लड़की के मर्जी के बिना तो उसका बाप भी नहीं ले जा सकता। तुझे तो मैं जानता भी नहीं, तू क्या ऐसे ही ले जाएगा? ए, हटाओ इसको। प्रॉब्लम होता है तो ये लड़ाई करता है, हम लोगों को प्रॉब्लम होता है ये बिल्कुल नहीं लड़ता है। मैं किस पे अपना पावर चेक करूं, यहाँ तो सब तगड़े तगड़े हैं। लगता है इनके बस का नहीं है। मास्टर, इस पे हाथ मत उठा देना, बादशाह भाई का आदमी है ये। तेरा वायलेंस देख के अपन साइलेंट हो गया। बेकार में ही डर रहा था मैं, ये तो हीरो बन गया। लड़की का हाथ इसके हाथ में देके चला गया ये गेंडा। क्या मास्टर, तू तो पलटी मार गया। उन सबको जमीन पे पड़ा देख रहा है ना, मुझे हल नहीं कराना है। मैं बस तुम्हें ही ढूंढने जा रहा था, तुम इसे लेकर आ ही गए। ये शर्ट कैसे फटी तुम्हारी? नहीं, वो इसे वापस लाते वक्त थोड़ी हाथापाई हो गई। झगड़ा किया तूने? कितनी बार तुझसे कहा है झगड़ा मत किया कर, पर तू नहीं मानेगा। पहले उसने मुझ पर हाथ उठाया था, फिर मैंने उस पर हाथ उठाया। अरे एक तो तुम्हारी वजह से मेरी शर्ट फट गई, कुछ तो बोलो ना। हाँ अंकल, वो तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, ये तुम्हें वापस ले आया अच्छी बात है। तुम अंदर जाओ, इसे तो नियम तोड़ने की आदत है। कौन सा नियम तोड़ा मैंने? मैंने मना किया, वो नहीं माना तो मैंने मारा। अब बताइए, इसके लिए पुलिस है ना? पुलिस जिसे मॉर्चुरी में बात हो रही थी, वो उन पुलिस वालों से शिकायत करने से तो अच्छा है वो उन्हीं के साथ चली जाती जो उसे उठा कर ले जा रहे थे, वही ठीक था। तुम्हें उनके साथ दोबारा बात करनी चाहिए थी ना, आपने भी तो उनसे बात ही की थी ना पापा। तुम गलती नहीं मानो? मैंने कोई गलती नहीं की, ये जाना नहीं चाहती थी, मैंने इसकी हेल्प। झगड़ा करोगे, शर्ट फड़वा कर आओगे, ये सब देखकर मैं चुप रहूं, लेकिन तुमसे कोई सवाल ना करूं। स्वाति तुम अंदर चलो। ए तू भी अंदर चल, खाना खा ले। बस डांटना ही, इसने गलती की और तुम इसे अंदर ले जा रही हो, तुम्हारी वजह से बिगड़ रहा है ये। मैंने बिगाड़ा है ना, तुम भी बिगड़ जाओ जब देख लो। यहाँ कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा, इस घर में मेरी इज्जत है या नहीं? इकोनॉमिक्स के दो भाग होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लो ये रख लो। ये क्या है पापा? पापा पर इसकी क्या जरूरत है? जरूरत वरूरत मुझसे मत पूछो, तुम खुद समझदार हो, भर दो इसको। ओह, इसका मतलब है आप मुझसे कल का बदला ले रहे हैं। क्या बोला? नहीं, साइन कहाँ करने, ये पूछ रहा हूँ। इस पर पेंसिल से मैंने निशान लगा दिया है और फॉर्म भर भी दिया है, पिन कोड डाल दिया है
अब सिर्फ तुझे ये काम करना है, कॉलेज जा, ओरिजिनल मार्कशीट ले, फोटोकॉपी लगा और इसे भेज दे, पिन कोड कवर पर है। ठीक है। देख लिया अपने पति का नाटक, अब इसकी क्या जरूरत है? देखो मैंने इसे सब कुछ समझा दिया, अब तुम वापस से शुरू मत हो जाना। अरे इस तरह घूर क्यों रही हो? जीवा, तुमने मेरे लिए झगड़ा किया इसलिए तुम्हें कोयम्बटूर जाना पड़ रहा है ना? नहीं नहीं, ये तो उनका पहले से प्लान था, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो तुम ज्यादा सोचो मत, ऑफिस जाओ, ठीक है? मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। hey, ये फालतू काम बंद कर, मुझे चमचागिरी कतई पसंद नहीं, चल निकल। गुड मॉर्निंग सर। फर्स्ट क्लास में पास हुए हो, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। क्या जीवन, अब किस लड़की को घुमा रहा है? क्या सर, मैं ऐसा लड़का नहीं। ठीक है ठीक है, साइन करा और जा। कमाल है सर, उससे तो बस एक ही जगह साइन करवाया, मुझसे दुनिया भर के साइन करवा रहे हो। जीवा तुम किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो ना, और यहाँ बार बार आओगे भी नहीं, तुमने तो इस कॉलेज से फर्स्ट क्लास में पास किया है, इसीलिए सारे साइन एक बार में ही ले रहे हैं। ओके कैसे भाई? मैं तो अच्छा हूँ, फोटोकॉपी करवाना है क्या? ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेरे काम का नहीं है, तो इनकी फोटोकॉपीज निकलवा के मैं क्या करूँगा? हाँ कितने कॉपी? दो कॉपी। ये ले लूँ? हाँ पेन की जरूरत भी पड़ सकती है, कॉलेज में तो कभी यूज किया नहीं, अब क्या करूँगा? तू कभी नहीं सुधरेगा, कॉलेज में पंगा हुआ था। नहीं तो क्यों? बैड रिमार्क दिया। अरे भाई इसको गुड रिमार्क मिला है, मैं तो रैंक होल्डर हूँ, मुझे क्यों बैड मिलेगा? ये देख लो। हाँ यार यहाँ तो बैड लिखा है, चला देखते हैं। बाय बाय, ये तो ले जाओ। चल चल। अरे अरे जीवा क्या हुआ? अरे जीवा की रिपोर्ट में बैड रिमार्क दे दिया। क्या बोल रहे? चल चलो। सर ये क्या है सर? देखो सिर्फ सर्टिफिकेट इशू करना मेरा काम, कोई प्रॉब्लम है तो प्रिंसिपल साहब से बात करो, ठीक है ना? सर भीड़ क्यों लगा रखी है सर, क्लास में जाने को बोलो। यार मुझे तो गुड रिमार्क मिला है और तूने तो टॉप किया है, फिर तुझे बैड रिमार्क क्यों? पापा चाहते हैं मैं पढ़ाई कर प्रोफेसर बनूं, पर इस रिमार्क के साथ तो मैं कभी प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा। यार तेरे पापा तो बहुत दुखी होंगे ना, अब क्या करेंगे? सर प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। बस अभी आया। जी जीवा जीवा एक काम कर सर, जा अंदर जा, 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 जा। सर हाँ बोलो क्या हुआ? मुझे पता है तुमने इस बार कॉलेज में टॉप किया है। हाँ सर लेकिन वो सर बोलो ना जीवा क्या प्रॉब्लम है, बोलो बोलो। सर यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है। नाम में कुछ बदलना है? नहीं वो बात नहीं है सर। फिर क्या बात है? इस सर्टिफिकेट पर मुझे बैड रिमार्क दिया है सर। तो हमारा बिहेवियर तो बिल्कुल सही है, फिर ये कैसे हो गया? इस कॉलेज में मैंने 4 साल पढ़ाई की है, कभी मैंने कोई गलती नहीं की, ना ही कॉलेज को मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी हुई, पढ़ाई में भी हमेशा अच्छा रहा। पर ये क्या है सर, ये सर्टिफिकेट देखिए, इस पर मुझे बैड रिमार्क क्यों दिया गया है सर? पर इस पर तो तुम्हारा ही साइन है ना? सर सर ये क्या है सर? सर ऐसा मैंने कुछ भी लिखकर नहीं दिया। तुम्हारा है या नहीं ये बताओ। सर पर ये सर ये साइन तो मेरे ही है। पर तुम्हारे साइन है तो ये सब तुमने कब किए? मुझसे दुनिया भर के साइन क्यों करवा रहे हो? हाँ सर वो उस वक्त सर्टिफिकेट के वक्त उन्होंने मुझसे ये साइन करवाए। तो तुम अपनी की हुई गलती का इल्जाम कॉलेज पे लगा रहे हो? सर मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, आप मेरी मार्कशीट पर मुझे 4 सब्जेक्ट में फेल कर दीजिए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मेरे पापा को मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, मेरे सर्टिफिकेट पर बैड रिमार्क क्यों दिया गया है जबकि मेरा परफॉर्मेंस तो हमेशा बढ़िया रहा ना? वो तुझे मैं बताता हूँ। लो इनसे मिलो, ये हमारे कॉलेज के माय बाप। क्या देख रहा है? तेरे सर्टिफिकेट पर बैड रिमार्क मैंने ही दिलाया। आपको मैंने पहले कहीं? वाह पर मैंने तो आपको तभी सॉरी बोल दिया जब था। तूने मुझे मारा था ना, मैं उसी वक्त तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानता है क्यों? ये मेरा स्टाइल ही नहीं है। अब तो ये सोच रहा होगा उस वक्त मैंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया। अगर तू कोई बड़ा आर्टिस्ट होता ना तो मैं तेरी दोनों आंखें निकाल के तुझे घर पे बिठा देता, और अगर तू कोई बड़ा बिजनेसमैन होता तो मैं तुझे कंगाल करके रोड पे ले आता, लेकिन तेरे साथ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तू तो पहले से ही रोड पे फिरता है, तेरी तो कोई औकात ही नहीं, तो मैंने सोचा तेरे साथ करूं क्या। और ये 7 दिन कैसे कटे मैं बता नहीं सकता, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा मुझसे गलती हो गई, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। सब क्या नाटक है? तू मेरे पैर पड़ेगा तो क्या मैं तेरी किस्मत बदल दूंगा? तेरी किस्मत बर्बाद करने वाला यमदूत हूँ मैं। अगर तू ये चाहता है कि तू मेरे पैर पड़े तो वो भी बिना पूछे नहीं पड़ सकता। सुना है तेरे बाप ने तुझे अनुशासन सिखाया है,
ये सर्टिफिकेट उन्हें ले जाके दिखाना, एक बड़ा सा फ्रेम बनाकर दीवार पे टांगना, जब वो उसे देखेगा तो खुदकुशी कर लेगा। अभी भी वक्त अपनी अकड़ कम कर ले। धमकी किसको देता है? तुझे दे रहा हूँ, तैयार रहना। उल्टा सीधा बोल रहा, कैसे चुप बैठू? समस्या क्या है वो? जीवा, लड़ने से कोई फायदा नहीं है, इसके पिताजी से बात करनी चाहिए। तुम इसके घर चले जाओ। कौन है वो? अंजी सेठ। ओपोजिशन वाले एमएलए को भगा भगा के तलवार से काट डाला है। सेठ जी, ये लोग जो इधर आ रहे हैं कौन है? मुझसे क्या पूछता है, उनसे पूछ। हाँ, इधर आने तो दीजिए, तब पूछ लूंगा। नमस्ते। नमस्ते सर। तुम लोग क्या यूथ पार्टी से आए हो? मुझसे कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं सर। रिकमेंडेशन, डोनेशन या इन्विटेशन, इनमें से कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ। सर वो क्या इतनी देर से फॉर्मेलिटी कर रहे हो? भाई कहो या नेताजी कहो, बताओ ना क्या काम है, क्या चाहिए मुझसे? नहीं, मैं आपके कॉलेज का। अच्छा, कौन से कॉलेज से हो? एमवीके सर। सेठ जी, ये तो अपना ही कॉलेज है। ओ अच्छा, ठीक है बताओ क्या काम है। बात ये सर, मेरे सर्टिफिकेट पर बैड रिमार्क लिखा है। भाड़ लिख दिया है? भाड़? ये भाड़ क्या होता है यार? सर्टिफिकेट में ये सब भी लिखते हैं क्या? पहले कभी नहीं सुना ऐसा। अरे वो अनपढ़ है, बैड को भाड़ बोल रहा है। नहीं, वो भाड़ नहीं सर, पैड होता है। अच्छा, तुमने फीस तो भरी थी ना? फीस तो मेरी सारी क्लियर है सर। ऐसे कैसे लिख दिया अगर तुमने फीस भरी थी तो? फीस तुमने बराबर भरी थी, याद है ना तुम्हें? जी सर। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? जीवा नंदन। जीवा, तुम एक काम करो, सर्टिफिकेट लेकर के कॉलेज जाओ। ए, प्रिंसिपल को फोन करके बोल इनके सर्टिफिकेट के लिए कुछ करे। जी। बचा पार्टी, पार्टी ज्वाइन कर लेना। जी 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 सर। सर दोबारा आना तो पार्टी ज्वाइन कर लेना। जी 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 जी। मेंबर बन जाओ, फायदे में रहोगे। ये यस। पार्टी ज्वाइन करने के बाद इस तरह पैंट शर्ट पहन कर मत आना, धोती पहन के आना, वरना ये मोटू लोग अंदर नहीं घुसने देंगे, समझ रहे हो ना? चलो निकलो यहाँ से, बाकी मैं संभाल लूंगा। आ जाओ। चलना। जीवा मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, सर्टिफिकेट मिलने के बाद यहाँ कभी भूल के पागल है क्या? मैं क्यों आऊंगा इस तरफ? अरे यहाँ पर क्या कर रहा है तू? घर जाने का सोचा, लेकिन पापा से क्या कहूँगा समझ नहीं आ रहा। पापा पूछेंगे कि अप्लाई किया, तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल पाऊंगा। देख अभी बहुत देर हो गई, कल सुबह तू जल्दी आना, हम लोग सारा काम निपटा देंगे यार। हाँ सही कह रहा है तू, ठीक है मैं चलता हूँ। तेरे पापा तो सो गए होंगे ना? हाँ पापा तो सो गए होंगे, पर माँ अभी भी जग रही होगी। ए, ये फाइल मुझको दे दे, नहीं तो वो सवाल करेंगी। दे मुझे। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी आ गया? बस वैसे ही, पापा सो गए ना। जीवा अभी तक सोए नहीं है। पता नहीं, आज तो वो 8 बजे खाना खाकर सीधा छत पर चले गए। तू भी जल्दी जा, नहीं तो तेरी क्लास लग जाएगी। पापा? हाँ। आज कॉलेज में क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं पापा। तुम 4 साल से कॉलेज जा रहे हो, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम कॉलेज में क्या करते हो और क्या नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें खुद बुलाकर पूछ रहा हूं कि कॉलेज में क्या हुआ था, मैं जानना चाहता हूं। मुझे पता है अभी तक मेरे पास तुम्हारी कोई भी शिकायत नहीं आई है। जी पापा। किसी ने तुम्हें डांटा है क्या? तुम मुझे हमेशा खुश रखते हो, यह तुम भी जानते हो। अगर बाप रात को 9 बजे सोकर 6 बजे उठ जाए तो इसका मतलब है कि उसने एक अच्छे लड़के को जन्म दिया है। तू फोटो भूल गया था, उसे लेकर मैं तेरे कॉलेज गया था। वहां मुझे पता चला कि तुमने किसी से मिसबिहेव किया है। कोई मेरे बेटे के बारे में कुछ बोलेगा मैं भरोसा कर लूंगा? जानता हूं तुम अपने दोस्तों के साथ घूमते हो, रात को लेट आकर घर में घुस जाते हो, लेकिन आज तुम जल्दी घर आए। तुम्हें लगा कि मैं आज भी डांट दूंगा। तुम भले घर लेट आओ, मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन आज बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने तुम्हें हमेशा डिसिप्लिन में रहना सिखाया है ना? पिता की बात ना मानने वाला बेटा और शादी ना करने वाली बेटी जिंदगी भर दुखी रहते हैं। तुमने मेरी बात मानी,
तुम हमेशा कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए। मैं तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने कभी भी मुझसे सवाल नहीं किया कि मैं तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियर क्यों बनाना चाहता हूँ। छोटे से स्क्रू से लेकर हवाई जहाज तक सब मैकेनिकल डिपार्टमेंट का हिस्सा है। ये सब काम कभी नहीं खत्म होने वाला। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बनाना चाहता था। मेरा बेटा कुछ नया करेगा इसकी मुझे बिल्कुल चाह नहीं, लेकिन तुम प्रोफेसर बनकर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 100 इंजीनियर तैयार करोगे, इस बात का पूरा भरोसा है मुझे। मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं बेटा। किसी ने तुम्हारे सर्टिफिकेट पे बैड रिमार्क लिख दिया तो क्या लाइफ खत्म हो गई? नहीं पापा, वो कल ही बदलवा देंगे ऐसा बोल रहे थे। बदलवा देंगे तो अच्छी बात है बेटा। जीवा, तुम मुझसे कोई बात मत छुपाना, क्योंकि मैं तुम्हें बहादुर बनाना चाहता हूं। मैं तुमसे अब भी कह रहा हूं, मैं जिंदगी में तुम्हारी ताकत बनूंगा, तुम्हें कभी भी कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। खाना खा लिया? अभी नहीं खाया पापा। चल नीचे चलते हैं। जीवा। आता हूँ पापा। बजे उठने वाला आदमी अभी तक सो रहा है। पता नहीं रात भर बाप बेटे में छत पर क्या बातें हो रही थी। 7 बज गए, आप अभी तक सो रहे थे? 7 बज गए। हाँ? कॉफी रेडी है क्या? हाँ? फ्रेश होके आता हूँ। अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, तुम और वो भी काम? क्या हुआ इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे? वो मुझे कॉलेज जाकर फॉर्म जमा करना है ना, इसलिए। ठीक है चला जा, पर नाश्ता करके जा। आकर करूंगा माँ। अरे सुनता क्यों नहीं है? बिना खाए ही चला गया क्या? घर पे सब ठीक? अरे सारी बातें पापा को पता चल गई यार। अरे क्या बोल रहा है? जब मुसीबत आती है ना, तभी पता चलता है हमसे सच्चा प्यार कौन करता है। इस परेशानी की वजह से ये तो पता चल गया कि पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब प्रोफेसर बनना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। यार तू एकदम सही सोच रहा है, ऑल द बेस्ट। तुझे तेरी मंजिल जरूर मिलेगी, देख लेना तुम लोग। अच्छा तेरी बाइक की चाबी देना। अरे टाइम हो गया, कॉलेज जाना है मुझे। मैं अभी आ जाऊंगा वापस। उसकी बाइक ले जाना यार। इसकी बाइक ले लूं? इसकी बाइक में पेट्रोल होता है क्या कभी? और इसकी बाइक पनौती है, काम बिगड़ गया। जीवा मैं कॉलेज ही जा रहा हूँ, तुझे रास्ते में छोड़ दूंगा। देना प्लीज। ठीक है मैं इसके साथ चला जाता हूँ, तू ये ले जा। बस अभी आया। थैंक्स यार। सोचा था मैटर वहीं खत्म हो जाएगा, अब फिर से उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। अरे छोड़ना यार, कुछ भी करके आज इस मैटर को फिनिश करते हैं। अरे किसका फोन आ रहा है? हाँ बोल बे। अरे तू रुक, मैं 15 मिनट में आता हूँ। जीवा मुझे जाना पड़ेगा। क्या हो गया? मेरे बाप ने बखेड़ा कर दिया, आधे घंटे में आया बस। आधे घंटे में? अरे तू रुकना यार, मैं बस गया और आया। भैया साहब है क्या? साहब तो मीटिंग में है, आपको इंतजार करना होगा। चल मैं चलता हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। अरे अरे मेरी फाइल। हेलो जीवा, तुमने खाना खाया? नहीं अभी नहीं खाया। तो खा लो ना, बाद में बात करते हैं ना। क्या रे मेरे बाप को लेकर आ गया तू? चुप कर, तू मेरे साथ आता तो मैं तेरे बाप को क्यों लेके आता? अरे मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, तू बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, तू फोन देख रहा है? अरे यार कहाँ है तू? अरे यार मैं आता हूँ ना, आधे घंटे में, बात को समझ यार। तू भी ना, जल्दी आ। क्यों भाई खाना खाओगे? ये क्या जी, आपने नाश्ता भी ठीक से नहीं किया और अब खाने को भी बस देखे जा रहे हैं। जीवा को फोन करो जरा, 2 बज गए अभी तक आया क्यों नहीं? खाना खाने के लिए तो बाहर आएंगे ना, कितने बजे तक आएंगे? वो मुझे नहीं पता। Thank you.
नेताजी के कॉलेज वाला मैटर। सुनो चले जाओ, कल आ जाना। नहीं थोड़ी देर और रुकता हूँ। सुबह से खड़े हो, कुछ खाया भी अभी नहीं। अरे सुनो सुनो। हाँ जी जी। नमस्ते सर। तुम्हें कॉलेज जाने के लिए बोला था, यहाँ क्यों आ गए? मैं कॉलेज गया था सर, पर किसी ने कुछ बताया नहीं तो मैं यहाँ आपके पास। सुनो, मैंने तुम्हें 10 बजे आने के लिए कहा था और तुम 4 बजे आ रहे हो पैदल। मैं सुबह 10 बजे आ गया था सर, मुझे अंदर नहीं आने दिया। देखो भाई, मेरा नाम खराब मत कर, तू लोगों से कहेगा नेताजी के घर गया था, 10 से 4 बजे तक खड़ा रखा, किसी ने मिलने नहीं दिया, ऐसा नहीं चलता है। कल सुबह 9 बजे आ जाना, मैं उससे कह देता हूँ। ए इधर आ। जी साहब। सुन रहे, ये सुबह 9 बजे आएंगे, वहाँ कुर्सी डाल करके इन्हें वहाँ बिठा देना। ठीक है साहब। सुनो, कल सुबह 9 बजे आ जाना। देखो नाराज मत हो, दोबारा ऐसा मत बोलना कि मैं नेताजी के घर गया था और वहाँ इज्जत नहीं मिली, मेरी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तुम पढ़े लिखे लड़के हो, कल सुबह आ जाना, नौकरी मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है ना? सर मैं नौकरी मांगने नहीं आया हूँ, सर्टिफिकेट मांगने आया हूँ। सर्टिफिकेट लेकर तुम क्या करोगे? नौकरी के लिए ही भटकोगे ना, मैं दे तो रहा हूँ तुम्हें। देखो भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ नौकरी करो और सीधा पैसा कमाओ, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। चलिए सेठ जी। सर मतलब आप सर्टिफिकेट बदल कर नहीं देंगे? तू मेरे बेटे को मारेगा और मैं तुझे सर्टिफिकेट बदल कर दूंगा, अगर मैं चाहूँ तो तुझे चुटकी में मसल सकता हूँ। इलेक्शन का टाइम है, इसीलिए तू अब तक जिंदा है। मेरा सर्टिफिकेट? क्या सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बोलकर चिल्ला रहा है? ए, ये ऐसे नहीं मानेगा, तुम लोग अपने तरीके से समझाओ, ये अपना नया चौकीदार होने वाला है, ज्यादा मत मारना। बहुत चर्बी चढ़ी है क्या, ऐसे नहीं मानेगा। हाँ छोड़ इसका। एक सेवन दो ना भैया, ये भूमि कहाँ मिलेगा? क्यों, भूमि से क्या काम है? मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा। अरे मैं ही भूमि हूँ, बोलो काम क्या है? आज रात रुकने के लिए मुझे एक कमरा चाहिए। आज रात? हाँ के भाई, लिए? कल सुबह निकल जाऊंगा। कितने पैसे हैं तेरे पास? 150 रुपए। 150 में क्या मिलता है? सिर्फ रात में ही तो रुकना है, कल सुबह सुबह नहा धोकर निकल जाऊंगा। ठीक है ला दे। ये क्या है भाई, हर कमरे में ताले क्यों लगे हुए हैं? हाँ तुम्हारी हिफाजत के लिए लगे हैं। हिफाजत की क्या जरूरत है? ए तू सवाल बहुत पूछता, चुपचाप रहना, ज्यादा पूछेगा ना तो मैं तुझे रूम नहीं दूंगा, समझ गया? तेरा गांव कौन सा है? आनंदपुर है भाई। अपने गांव के किसी भी आदमी को मेरा नंबर मत देना, समझा? ठीक है भैया। ओके आगे देखते हैं। ये रहा तेरा कमरा। ये क्या, कमरे में तो अंधेरा है, लाइट चालू करो। क्या भैया, बाथरूम में सुलाओगे क्या? अबे 150 में क्या 5 स्टार का रूम मिलेगा तेरे को? तूने क्या बोला था, रात भर रुकूंगा, सुबह नहा धो के निकल जाऊंगा, लेने आया तो नहीं तो निकल यहाँ से, वैसे भी दूसरी पार्टी वेटिंग में है। ठीक है ठीक है, जब नसीब ही फूटा हो तो क्या कहना। चल यार कुछ तो कमाई हुई। अरे बापरे अंकल, ठेका तो अभी बंद हो गया होगा, ये लोग कहाँ गए होंगे? हाँ अंकल बोलिए। जीवा कहाँ है बेटा? ग्राउंड में तो था, घर नहीं पहुँचा क्या? नहीं बेटा, कॉल किया था लेकिन लग नहीं रहा है। ठीक अंकल, मैं जाकर देखता हूँ, उसके बाद आपको फोन करूंगा। ठीक है बेटा, फोन करके बता देना। हाँ अंकल ठीक है। अभी तक घर नहीं पहुँचा,
कहां गया होगा ये? क्यों रे, क्या हुआ? मेहमान नवाजी में कोई कमी तो नहीं हो गई हमसे? बहुत दिनों के बाद फंसा है तू। सुन, तेरे ऊपर तो बेटा 4-5 केस ठोकूंगा, कम से कम 6 दिन। नहीं नहीं नहीं, 15 दिन रिमांड पे रखूंगा। क्यों? मुझे धमकी दिया, चल ठीक है, उनको क्यों धमकी दिया बे? मैं तो तुझे 6 महीने ठोक के बाहर भेज दूंगा, लेकिन वो लोग साल भर तेरी ठुकाई करते रहेंगे, जिंदगी नर्क बना देंगे। तेरे ग्रहों की दशा अच्छी नहीं चल रही है। मुर्दा घर में तू जिसके लिए लड़ा था वो अपनी मौत नहीं मरा था, कैसे मरा था पता है? पता है जो जगह मैंने खरीदी थी आपके लोग इनकी जगह जबरदस्ती धमकी देकर छीन रहे। वो इन लोगों को मारने से पहले तेरा काम तमाम कर दूंगा। अंजीत सेठ ने उसे एक्सीडेंट में मरवा दिया था। अंजीत सेठ तो ठीक है, उसके बेटे के बारे में जानता है क्या? मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मैं बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अबे तू अगर जिंदा रहेगा तब जाके बाहर बोलेगा ना, पकड़ इसको। 6 फीट के आदमी को ऊपर से 1.5 फीट छोटा कर दिया। एक्सीडेंट का केस बताकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दे। तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, उनके बारे में किसी से बात भी मत करना, अगर मुंह खोला ना तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तूने उसके बेटे से पंगा लिया, बहुत बड़ी गलती। तेरी किस्मत बर्बाद करने वाला यमदूत हूँ मैं। ए, इसकी और ठुकाई करते हैं, जा लाठी लेके आ। इस टाइम पे कौन याद कर रहा है यार। हेलो। हाँ सर। अरे कहाँ है बे तू? पुलिस स्टेशन में हूँ, जिसने कॉलेज में लफड़ा किया था ना उसे उठा के लाया हूँ, उसी की ठुकाई चल रही है। अबे उसको क्यों मार रहा है, वो तो बच्चा है ना। नशे में बच्चे मारपीट करते हैं पता है ना, मगरमच्छ पकड़ने को कहा था मेंढक पकड़ के मार रहा है, उसको कुछ मत करना। उसके साथ क्या करना मेरे बेटा देख लेगा। उसको तू कहीं फेंक के 1/2 घंटे में मेरे पास आ जाना, इलेक्शन का बहुत काम पड़ा है अभी। ठीक है सर, अभी आता हूँ। इसे उठा के बाहर फेंक दे, चल जल्दी से गाड़ी निकल। चल दोबारा कभी सेठ जी के आसपास मत दिखना। जीवा उठ, उठ जा। इन्हें अंदर ले चलो। डॉक्टर। डॉक्टर क्या हुआ इसे? ये मेरा दोस्त, इसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया डॉक्टर, आईसीयू में ले चलो। यस डॉक्टर, आप यहीं रुकिए। अरे ऐसा क्या काम पड़ गया, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? एक्सीडेंट हो गया है उसका। एक्सीडेंट हो गया? जीवा का। जीवा का? वो कैसे हुआ? वो बाइक से गिर गया, सर पे थोड़ी सी चोट आई है। फिकर मत कर, तूने घर पर खबर तो नहीं की ना? कर दिया। पागल है तू भी, घर पर फोन क्यों किया तूने? तो क्या करता मैं, अंकल बार बार फोन कर रहे थे तो मैंने उनको बता दिया। सुनिए ना, जल्दी से दवाइयाँ लेके आ जाइए। अब सुन, पैसे दूं क्या? चल हम लेकर आते हैं। चल, चल अब सुन, थोड़ी देर में उसके घर वाले आते ही होंगे, उन्हें ज्यादा बोल के डराना मत। क्या यार वो मैं क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं था, बस थोड़ी सी चोट लगी। कहाँ है वो? अरे अरे आंटी रुकिए, ट्रीटमेंट चल रहा है, अंदर नहीं जा सकते। ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने कहा था नाश्ता करके जा, पर वो बिना कुछ खाए घर से चला गया। आंटी बस छोटी सी खरोंच आई, आप टेंशन मत लो। छोटी सी खरोंच है तो हॉस्पिटल क्यों लाए? उन्होंने कहा डरने की बात नहीं है। आपकी शर्ट पर खून कैसे लगा? अरे रे, कैसा है वो? कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है, ट्रीटमेंट चल रहा है। छोटी सी चोट में हॉस्पिटल में एडमिट के लिए इतनी सारी दवाइयां, क्या चल रहा है? दवाइयां मुझे दीजिए, यहां भीड़ मत लगाइए प्लीज। ठीक है ठीक, चलो बाहर चलते हैं। आईसीयू वाले डॉक्टर साहब कहां पर हैं? वो उस तरफ वाले कमरे में। इस तरफ? थैंक यू। देखो डॉक्टर, मैंने पूरी कोशिश की है, सब ऊपर वाले के हाथ में, ऐसा कुछ मत बोलिएगा समझे? वो लोग टेंशन में है, बोलना कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा। आंटी डरने की कोई बात नहीं है। डरने की कोई बात नहीं है, मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है, बॉडी से खून बहुत बह गया है, 3 घंटे आराम करने दीजिए, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या हम उसे एक बार देख सकते हैं? हाँ हाँ देख सकते हैं। मैडम अभी कोई अंदर नहीं जाएगा, अभी कोई अंदर है, जब वो बाहर आएंगे तब आप अंदर जा सकते हैं। माँ ये सब क्या हो रहा है? मैम आप बिल पे कर देना। ठीक है। इसे बांधकर बुरी तरह से पीटा गया है, मैं डॉक्टर हूँ, कोई पागल नहीं हूँ, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हिफाजत नहीं, कुछ दिन उसे आराम करना होगा। घर ले जा सकते हैं ना? कल डिस्चार्ज कर देंगे। हे भगवान, कितनी चोट लगी है इसे? कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर आराम करने दो इसे। क्या कुछ नहीं हुआ है? देखो ना कितना खून बह रहा है। डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, डरने की कोई बात नहीं।
बेकार में चिंता कर रही हो। तुम तो मेरी बात सुनते नहीं और ये भी मेरी बात नहीं सुनता। डॉक्टर ने कहा कल डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है। 58, 59, 60 प्रभु ये सबको दे दे, कोई मेरे खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। पर सर इतने में मान जाएगा क्या? अगर वो ले लेगा तो मैं तो बिना लड़े ही जीत जाऊंगा ना। वो तो ठीक है सर, पर आपने उसे छोड़ क्यों दिया था? किसे बे? जिससे भैया जी का झगड़ा हुआ था है? वैसे भी इंस्पेक्टर उसे ठोकने ही वाला था तो आपने फिर। वो अपने लेवल का है क्या प्रभु? पुलिस ने इतना ठोका है कि आईने में अपनी शक्ल देख रहा होगा। जीवा तुझे डर लग रहा है? मैं क्यों डरूंगा पापा, उसने गलती की थी तो मैंने रोका था, मैंने माफी भी मांगी थी। मेरे फ्यूचर के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ आपको और माँ को है। ये हक तो मैंने भगवान को भी नहीं दिया है, तो फिर वो कौन होता है? मेरा फ्यूचर डिसाइड करने का उसे कोई हक नहीं है। उस दिन मोहल्ले में परेशानी हुई तो मैंने कुछ नहीं कहा, हमारी आंखों के सामने अंकल को मार दिया, किसी ने कुछ किया क्या? लेकिन अब मैं उन्हें नहीं झेलूंगा। नहीं बेटा, लेकिन ये सब लीगली तो ठीक नहीं है ना? पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? दूसरे लोगों के लिए ये मामूली बात हो सकती है, पर मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, मैं ये भी जानता हूँ। पापा मैं आपका बेटा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे साबित करना होगा। डिसिप्लिन के नाम पर आपको सब जानते हैं, और उसने तो आपके ही बेटे को बैड रिमार्क दे दिया। पापा उसका बेटा बाहर रंगरलियां मनाए और वो चाहता है कि मैं उसके पास काम करूं। क्या आप भी चाहते हैं कि मैं उसके पास काम करूं? पापा नहीं बेटा, वो हमारे परिवार को चैन से जीने नहीं देंगे। अगर वो अनपढ़ होकर इस तरह के काम कर सकता है तो हम पढ़े लिखे होकर क्या कर सकते हैं, ये उसे बताना पड़ेगा। हम सिर्फ सोचते हैं, करते नहीं, लेकिन मैं करूंगा। पर तुझे कुछ हो ना जाए बेटा। पापा मुझे कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पापा अगर मैं चुप रहा तो वो मुझे और दबाएगा, इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। अरे ये कैसी बात कर रहा है तू? ये बता तुझे चाहिए क्या? बस आपका साथ चाहिए। सेठ जी देख लेना, आपकी टक्कर में कोई है ही नहीं, आपने नॉमिनेशन भर दिया है, अभी देखना आप ही जीतोगे, पक्की बात है। सर सर सर, आपने तो राजनीति छोड़ दी थी, तो फिर वापस राजनीति में आने का कारण आपने जो गलतियां की हैं उसे बचने के लिए, या आप जो गलतियां कर रहे हैं उसे छुपाने के लिए? आखिर जनता को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? ये तो अच्छी बात है ना, सब लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं। सबको मेरा नमस्कार, मैं इस पोस्ट के पीछे नहीं पड़ा हूँ, पार्टी ने खुद मुझे पोस्ट दिया है, क्योंकि पार्टी को भी एक अच्छा राजनेता चाहिए जो आवाज बढ़ा दे। आप इलेक्शन जीतेंगे, आपको पक्का भरोसा है? आपको कोई शक है? अगर आप इलेक्शन जीते तो आप कौन सी पोस्ट पर आना चाहेंगे? एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर? हाँ भाई, शिक्षा मंत्री। अगर पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो समाज का भला होगा ना। हाई कोर्ट में इनके ऊपर 58 करोड़ रुपए का केस चल रहा है, लेकिन आज नॉमिनेशन में इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति 1,26,00,000 की बताई है। इस राजनीति में एक और झूठा चेहरा बेनकाब हुआ है। झूठे चेहरे को बेनकाब करते हुए मैं वीडियो जर्नलिस्ट पार्वती। स्वाति, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ए, मीटिंग के लिए कोई और जगह नहीं मिली क्या? ना जोर से बात कर सकते हैं, ना दारू पी सकते हैं, ये भी कोई जगह है यार? अरे रात के वक्त तुम दोनों छत पे क्या गुटरगू कर रहे हो? ए, अच्छा बात क्या है, सबको यहाँ क्यों बुलाया जीवा? ए, कैसा है यार? पापा घर पे नहीं है इसीलिए मीटिंग चल रही है ना। हॉस्पिटल में तो मिलने नहीं आया, यहाँ दोस्ती निभा रहा है। क्या बात कर रहा है यार, कल ही तो हमें मार्कशीट मिली है, तब से मेरा बाप काम पे काम दिए जा रहा है, सुबह से रात हो गई लेकिन मेरे बाप का काम ही खत्म नहीं हो रहा। देखा, एक दिन तेरे साथ नहीं रहा तो क्या क्या हो गया। अच्छा इतना सीरियस होके क्या मीटिंग कर रहे तुम लोग? सुनो, मैं अंजी सेठ से लड़ूंगा। ए पागल हो गया तू, अंजी से लड़ेगा? जब से तू बाइक से गिरा तेरी माँ इतनी परेशान है, और अब तू बोल रहा है कि तू अंजी से लड़ेगा? उससे लड़ने से पहले उसे बचने का रास्ता ढूंढ। बचना तुम्हें है या जीवा को? ए, क्या बोल रही है, कोई चांस नहीं है। तुम लोग उसे नहीं जानते क्या? तुम कुछ नहीं करोगे क्या? वो छोड़ देगा? उसने मेरे पापा को एक्सीडेंट में मरवा दिया। देखो स्वाति, हम लोग डर से ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बहुत ताकतवर है, हम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो क्या हुआ, वो जितना चाहे मुझे मारे, मैं उसे 2 लाफे तो मार ही सकता हूँ। तू उसे मारेगा तो वो तेरे को छोड़ देगा? कुछ नहीं करूंगा तो क्या वो मुझे छोड़ देगा? हमसे नहीं होगा, यही सोचकर हम हमेशा डर कर चुपचाप बैठ जाते हैं। पर मैं डरपोक नहीं हूं यार,
तेरी बात सुन के तो मुझे डर लग रहा है। रोड पर उसने तुम्हारे सामने किसी को मारा और तुम लोग डर कर भाग गए। अब उस चाय की दुकान पर भी नहीं जाते। पुलिस, पॉलिटिक्स और ये गुंडे, इन सब से हम डर रहे हैं। कब तक डरेंगे? आखिर कब तक? इन्हें भी तो डरना चाहिए। आखिर कब तक डरेंगे? अब डरने की बारी उनकी है। यूथ इतना जरूरी है, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। अरे यार, हम पढ़ते यहाँ है, काम बाहर करते और फिर वापस पैसे इंडिया भेजते। ये लोग इंडिया में ही रहकर इंडिया की पब्लिक को ही लूट कर सारे पैसे बाहर भेज देते। सही बोल रहा है जीवा, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। यूथ की क्या पावर है इसका तो उसे अंदाजा भी नहीं है। वो तो मुझे भूल गया होगा। उसके लिए तो मैं बस एक लल्लू हूं ना। उसे लगता है मैं उससे डर गया। अगर उसे अब छोड़ा तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ए, इसने बहुत बोल लिया, चल अब कुछ करके दिखाते हैं। आज के बाद वो कभी खुश नहीं होगा। नॉमिनेशन फाइल जमा करने से पहले ही तू मेरे पैर छू रही है। एमपी बनने के बाद पता नहीं आप यहाँ आएंगे भी या नहीं। एमपी? मंत्री बनूंगा डार्लिंग। समझ गई, आप यहाँ नहीं आने वाले। मैं यहाँ आऊंगा कि नहीं ये जानने के लिए बहुत सारे मिनिस्टर मेरे पीछे पड़े हैं। अगर उनमें से किसी एक ने भी मुझे यहाँ आते हुए देख लिया ना तो पक्का कंफर्म हो जाएगा। ए, रंग क्यों उड़ गया तेरा? आता रहूंगा यहाँ, तुझे देखे बिना रह पाऊंगा क्या? अरे सर, आने वाले हैं। हमने नहीं भेजा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। प्लीज आप लोग घर जाइए, सभी स्टूडेंट्स अपने अपने क्लास में जाओ। कॉलेज का इस लेटर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग ग्राउंड खाली कर दीजिए प्लीज। जाइए जाइए जाइए। क्या तमाशा लगा रखा, जाइए यहाँ से जाइए। अरे इन्होंने तो मेल किया था कि हमें रिफंड मिलेगा। हाँ हाँ, मेल तो मिला ही था, लेकिन ये लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। अरे यार, इन लोगों ने हमें लेटर दिया तो पैसा तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, पैसा तो इन्हें देना ही पड़ेगा। ये सब इनके सर पे नाचेंगे ना, मजा आएगा। इतनी भीड़ कहाँ से आ गई? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? बच्चों के पेरेंट्स हैं सर, डोनेशन वापस मांगने आए हैं। आखिर ये लेटर इन्हें किसने भेजा? वो तो किसी को नहीं पता सर। क्यों भाई, पार्टी का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है नेताजी। प्रभु जी, पार्टी ऑफिस बना दिया ना? बना दिया सर। अरे भाई, रूलिंग पार्टी ने 5 जगह बनाया तो हमें 50 जगह बनाना है ना। बन जाएगा ना सर। यक्का, அந்த கருமத்துக்கு படிப்பே தேவையில்லக்கா। என்ன சொல்ற நீ? ஊர்ல நொண்டி நோசக்கா, தந்தது வேகாது, பெட்டி கடையில கடன் சொன்னது, பீடிய கிள்ளி குடிச்சது, சந்த கடையில கருப்பி திருடி கொண்டது, இந்த மொத்த கோமனா। अरे ये बेफालतू में क्यों चिल्ला रहा है? ए, इसकी टेटे कम कर। सेठ जी, कम कर रहा हूं, बैटरी काम नहीं कर रही। ये जगह कुछ देखी देखी लग रही है। ए चल हट। ये तो अपना कॉलेज लग रहा है। ये क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल अपना चैनल लगा। ये क्या लगा रखा तूने? हाँ सेठ जी, लगा रहा हूँ, रुको। I also have the same doubt. Where are you from, sir? Why so much of crowd here? मैम, तमे यहाँ केवी रीते? मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, तू क्या सुन रहा है? अरे चैनल बदल देना। मिल से प्यार करते हैं हम। अभी आप देख रहे हैं एग्जीबिशन। ठीक है, रुक जा रुक जा। जो बात किसी भी देश में नहीं होती वो बात आज यहाँ हो रही है ना। पढ़ाई के लिए एक अच्छी शुरुआत, एक बड़े से बदलाव के लिए एक छोटा सा कदम। आइए इस पर पेरेंट्स से बात करते हैं। सर, ये डोनेशन वापस देने की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका क्या कहना है? माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी जिंदगी बनाने के लिए, लेकिन जब बच्चों का कॉलेज में एडमिशन करवाना होता है तो हमारी जिंदगी पैसों के बोझ तले दब जाती है। कॉलेज में डोनेशन सिस्टम खत्म करना होगा। फोन ही नहीं लग रहा है उसका। तुझे इंस्पेक्टर का नंबर याद है क्या? हाँ सर जी, याद है याद है। चल फोन लगा। डोनेशन वापस कर दे तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। सर जी, वो लाइन पे है। थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए। कौन पैसे वापस कर रहा है? जितने भी वहाँ पर हैं सबको भगाओ। सर ये नहीं हो सकता सर, बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, पूरा ग्राउंड पेरेंट्स से भरा पड़ा है। अगर अभी कुछ किया तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। फिलहाल तो शांत रहने में ही भलाई है सर। कौन है भाई? मैं अंजी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में बात करेंगे। न्यूज नहीं देख रहा है क्या आजकल तू? मना किया था कॉलेज में कोई डोनेशन नहीं लेगा, जो डोनेशन लेगा उसकी खैर नहीं। फिर भी डोनेशन लेने की हिम्मत की? उस कॉलेज का चेयरमैन कौन है ये बताओ? उसी के बारे में बात करनी थी। क्या बात करनी, जल्दी बोलो। वो कॉलेज मेरा ही है। क्या कहा? तेरा कॉलेज? तू तो मुझसे भी आगे निकल गया, तो ये फालतू के काम क्यों करता है? किसी ने चिट्ठी भेजी थी। भाई वो चिट्ठी मैंने नहीं भेजी। मैं पैसे कैसे वापस कर सकता हूँ? अब तू वापस करे या कोई और करे, लेकिन करने तो पड़ेंगे। सभी लोग रोड पर पेपर लेकर खड़े हैं। अगर तूने पैसे वापस नहीं किए ना तो सब लोग स्टेशन पर आकर खड़े हो जाएंगे। बात मीडिया तक पहुँच चुकी है, अब क्या करना है ये बोलिए। लोगों का सपोर्ट तो हमें है, मीडिया वाले हमारा कुछ नहीं कर सकते। कमीशन बैठेगी तो मैं संभाल लूंगा। ये सबका पैसा वापस कर और झगड़े की जड़ खत्म कर।
अगर तूने पैसा वापस नहीं किया तो ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। सबका पैसा वापस करना पड़ेगा क्या यार? अब इतना शरीफ मत बन। पैसे कैसे वापस लेने हैं ये तू अच्छी तरह जानता है। पेपर ले, पैसा वापस कर और मामला खत्म कर। सबका पैसा वापस करने को बोल रहा है जैसे इसके बाप का पैसा है। ओए 500 पैकेट कॉलेज में पहुंचा दे। हाँ जल्दी कर। इतने सारे मिस कॉल? अंजी सेठ लाइन पर है। हेलो। फोन क्यों नहीं उठा रहा था? सर कुछ पेरेंट्स आए थे इसलिए। ऐसा करो सबको उनका पैसा वापस कर दो। पैसे? मैं भेज रहा हूँ, तू चिंता मत कर। ठीक है सर, श्योर। थैंक्स। सुनिए सुनिए, प्रिंसिपल साहब मान गए हैं, आपको आपका पैसा मिल जाएगा, अभी जाइए। जिन लोगों को पैसे मिले हैं हम उनसे बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है? हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू। और आपका क्या कहना है? इसमें सभी का फायदा है। और मैं भी बहुत खुश हूँ मैडम, पैसे वापस मिल गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। सुपर्ब सर। एक्सक्यूज मी सर, ये सब लोग बहुत खुश लग रहे हैं लेकिन आप क्यों उदास हैं? इस कॉलेज में डोनेशन लिया जाता है ये बात प्रॉब्लम होने के बाद पता चली। पढ़ाई के लिए तो गवर्नमेंट डोनेशन देती है ऐसा सुना था, हमारी पढ़ाई के लिए डोनेशन मांगा जाता है ये सुनकर बहुत दुख हुआ, इसलिए हम परेशान हैं। अच्छा अच्छा, तो ये काम इसका है। अगर दूसरे कॉलेज में भी हमारे कॉलेज की तरह डोनेशन वापस किए जाएंगे तो समाज जरूर सुधरेगा। चलो जाओ यहाँ से। ठीक है नेताजी। सर जी देखना बार बार फोन बज रहा है, उठाना। हेलो, जरा हमारे माई बाप को फोन देना। इतनी इज्जत दे के बात कर रहे हो, कौन हो भाई? चल हट बोलू, फोन दे उन्हें। लीजिए सर जी। कौन हो सकता है? देखा मुझे टीवी पर, हैंडसम लग रहा था कि नहीं? बहुत अच्छा काम किया तुमने। हाँ काम तो अच्छा किया है। देखा तुमने सभी लोग कितने खुश हैं यहाँ पर। सारे स्टूडेंट्स के माँ बाप आज तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे। थैंक यू बोलो मुझे। कह दूंगा भाई, और भी कुछ करना है क्या? hey, सीधे साधे आदमी को सताने का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब सुन, देश को सुधारना या तुझे सुधारना ये मेरा काम नहीं है। दो बातें हैं, एक मेरा सर्टिफिकेट ठीक करके दे, और दूसरा एक अच्छे आदमी को तूने लूटा था उसके सारे पैसे वापस कर दे। मैं तुझे एक सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ तो तूने सारा कॉलेज ही मेरे पीछे लगा दिया। ये बात आगे नहीं फैलेगी अगर तू ये सब यहीं सेटल कर देता है तो। लेकिन अगर तूने नहीं किया तो तू क्या है, तेरी औकात सारी दुनिया को बता। मैंने तुझे बच्चा समझ कर छोड़ दिया था और तू इतना बोल रहा है? तू जहाँ है मैं तुझे वहीं काट कर फेंक सकता हूँ। क्या सर, एक ही डायलॉग कब तक मारते रहोगे? क्या कर सकते हो, तुम्हारी क्या औकात है सब जानता हूँ। तुझे जो करना है कर ले, मैं भी देखता हूँ। ए, उन सबको बुला कर ला। जी सर जी, बुलाता हूँ। काम चोर कहीं का। ए मोटे, ए कालिया, सर जी बुला रहे हैं। चलो चलो जल्दी। ए, उसके घर में घुस के उसको फोड़ कराओ और उसके परिवार को पता चलना चाहिए कि मुझसे पंगा लेने से क्या होता है। जाओ। अरे ये क्या, इसके घर के सामने इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? गाड़ी को जरा साइड में लगा, लगता है ओपोजिशन पार्टी वाले इलेक्शन बूथ लगा कर बैठे हैं। ए इधर आ, सारा काम जल्दी खत्म करना है, टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है ठीक है। ए तुम लोग इसके साथ चले जाओ। ठीक है भैया जी। सुनो बे, एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए, समझ गए? अरे वो जो सामने खड़ा है ना, वो ओपोजिशन पार्टी वाला है, वो हमसे जलता है। उसने इसके घर के सामने इलेक्शन बूथ कैसे लगाया? वही बात तो समझ नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे सेठ जी से बात करनी पड़ेगी। क्या हुआ बे? सेठ जी मैटर सीरियस है, लड़के को मार नहीं सकते हम। क्यों? यहाँ ऑपोजिशन पार्टी का बूथ लगा हुआ है, अगर अभी कुछ करेंगे तो मैटर बढ़ जाएगा। आप बताइए क्या करना है। तुम लोग वहाँ कुछ मत करना, वापस आ जाओ। भाई इनकी बिरयानी खा कर चलते। अबे ये लोग कौन आ रहे हैं? पता नहीं भाई, किस पार्टी के हैं ये लोग। खाना पीना खा लिया क्या? है ना भाई, आपका भाई अभी भी पुराने ट्रेंड में जी रहा है। उसे पता है मुझे क्या चाहिए, बार बार याद नहीं दिलाऊंगा, जाकर उसे बोल देना। और देखो अब कोई हंगामा मत खड़ा करना, चल निकल। ए, पुजारी जी जिंदाबाद। भाई ये जरूर इसको कोई प्लान है। ए तू बचेगा नहीं। पुजारी जी जिंदाबाद। 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 अरे चुप करो ना, पता नहीं ये लोग कौन है, अपने पुजारी जी का नाम ले रहे हैं। लेने दो, छोड़ो ना यार, जीतेंगे तो पुजारी जी ही। पुजारी जी जिंदाबाद। पुजारी जी जिंदाबाद। तमिलनाडु के कॉलेज में कोई भी डोनेशन नहीं ले सकता। जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने इसकी घोषणा की, आज शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज ने डोनेशन के पैसे वापस कर दिए। इसे उदाहरण देखा जा रहा है so और बाकी सभी बड़े कॉलेज पर कड़ी नजर रखी जा रही है। एडमिशन बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेचुलेशन। इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा, मैं चलती हूं, मुझे बहुत काम है। क्या साहब, पुलिस स्टेशन में आराम करते हैं ना? अंजी सेठ के यहाँ क्या करने आए हम लोग? चुपचाप रह, बैग उठा और जल्दी अंदर आ जा।
सर अब क्या करना है? अब सब आकर मुझसे ही पूछना। मैंने तो पहले ही कहा था 6 महीना उसे अंदर रखता हूँ, लेकिन आपने ही कहा है बच्चा है छोड़ दो। बता देते तो जेल में रखकर क्या उखाड़ लेते उसका, तुम लोग बिरयानी खाने लायक ही हो। सर इसको चौकी ले चलते हैं और जमकर ठोकते हैं। बुड्ढे क्या बोला तू? ए तू चुप करेगा? अब क्या करना है तू बता। इसमें करना क्या है सर, एक बार फिर से अंदर डाल देता हूँ उसे। इतने सारे केसेस हैं, कोई भी ठोक दूंगा। तेरा भेजा सटक गया है क्या? अगर केस कोर्ट में पहुँच जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी, प्रेस वाले पीछे पड़ जाएंगे। एक बार उसको टपका दिया ना तो सब ठीक हो जाएगा, बात भेजे में घुस गई ना। और सेठ जी वो लड़की? कौन लड़की? सेठ जी वही वाली जो माइक लेके सबके सामने बड़बड़ करती रहती है, जिसके बाप को आपने वकील के ऑफिस में धमकाया था। तुम लोग कोई भी काम ठीक से नहीं करते हो। अगर वो लड़की है तो अब तक उठाया नहीं, सबसे पहले उसी को उठाओ। जी सेठ जी। सर कंफर्म उसे ठोक दूं ना, बाद में अगर भाई ने पूछा उसको तो... तुम छोड़ो, उसको मैं संभाल लूंगा, पहले तुम उसको उठाओ। इस बार ठीक से करना, नहीं तो तेरा ट्रांसफर करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, मैं संभाल लूंगा। ओए बेटू, जिम विम जाया कर, 9 महीने का पेट फुला रखा है। प्रभु। जी सेठ जी। अब जो भी करना है बहुत संभल के करना। जी सेठ जी। किसी भी मामले में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। जी सेठ जी। हो सके तो दोनों को एक साथ ही उठा लो, जाओ। समझ गया सेठ जी। सेठ जी, जब से इस घर में आए हैं ना तब से सब कुछ गड़बड़ी हो रही है। ऐसा करते हैं पुराने घर में वापस चलते हैं। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। अरे जीवा, इतना उदास क्यों है तू? यार हम जो सोच रहे हैं वो जल्दी हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आगे वो क्या करेगा कुछ नहीं पता। ए रुक, इस वक्त वहां गई तो भैया भड़क जाएंगे। मैं संभाल लूंगी, तू जा। अरे, अरे रुक रुक, जो मुश्किल से मिलता हो तुझे आसानी से मिल गया, और जो आसानी से मिलता है उसमें तुझे मुश्किल हो रही है। किसकी बात कर रहा है? अबे प्यार की। अरे इसकी लवर इसे 2 दिन मैसेज ना करे तो लगता है किसी और के साथ भाग गई। लेकिन मेरी स्वाति ऐसी नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भी पता है वो मुझसे प्यार करती है। वो चाहती है कि ये बात मैं उसे बोलूं, पर यार हिम्मत ही नहीं होती। वाह भाभी, भैया ने तो कंफर्म कर दिया है, अब तो इनके साथ ड्यूएट गा, मेरा यहाँ क्या काम, मैं तो चली। हेलो। अरे स्वाति। हाँ सर। खबर है, तुम अभी आ जाओ। बस 15 मिनट में। देखो लेट मत करना। ओके सर, बाय। बहुत दिनों के बाद ये लोग साथ बैठे हैं, मैं अकेले ही जाती हूँ। ऑटो। कहाँ जाना है? अन्ना नगर। बैठिए। हाँ स्वाति। मैं ऑटो में हूँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है। ये क्या कह रही हो, अभी कहाँ हो तुम? मेरे बॉस का फोन आया था, मैं अन्ना नगर जा रही हूँ, एक अर्जेंट न्यूज कवर करने। बहुत डर लग रहा है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हम लड़के होकर भी छुपकर काम कर रहे हैं और तुम लड़की ये होकर भी। सब छोड़ो, अभी मैं क्या करूँ वो बताओ मुझे, जल्दी बोलो। ठीक है तुम परेशान मत। तो ये बताओ तुम किस एरिया में हो? कलेक्टर एरिया में हूँ। पेट्रोल पंप क्रॉस कर लिया क्या? कर लिया। आगे क्या दिख रहा है? ग्रेस सुपरमार्केट। वो क्रॉस करते ही पहला लेफ्ट लो। भैया यहाँ से लेफ्ट ले लेना। मैडम आगे रोड बंद है। पर आगे तो डेड एंड है। डेड एंड है ये मैं जानता हूँ, तुम ऑटो लेकर वहाँ पहुँचो, जितना बोलता हूँ उतना करो। ए, जिसे हम ढूंढ रहे थे वो खुद बखुद आ गया, आज छोटा नहीं है, पका गाड़ी। हेलो जीवा, तुम मुझे सुन रहे हो? सर बोली सर। मैं लड़के के पीछे हूँ, तू लड़की को संभाल। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, हम सब संभाल लेंगे। जीवा, वो हमारे पीछे आ रहे हैं। डरो मत, मैं जल्दी आ रहा हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। तुम भाग नहीं रहो, मैं बस पहुँच रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, भागो, जहाँ रास्ता दिखे भागो। कहाँ चली गई ये? ए, ए तू उस तरफ देख, और तुम दोनों वहाँ सामने जाकर देखो। भाई आप किधर जाओगे? यहाँ आएगी तो कौन पकड़ेगा उसको? भाई मुझे अपने साथ रखो ना, मैं पकड़ूंगा उसे। मेरे राजा तू भी पकड़ लेना, चला जा, चल। आसपास क्या दिख रहा है बताओ मुझे। अरे यहाँ तो सब छोटी छोटी गलियाँ हैं, आगे रास्ता बंद। भागती रहो। सुनो, कहाँ से जाओ? छोटी छोटी गलियाँ हैं, उन्हें चकमा देके कहीं छुप जाओ। सर उसे ओवरटेक करते हैं और पकड़ लेते हैं, 2-4 केस ठोक देते हैं, जिंदगी भर सड़ता रहेगा जेल में। केस अपना दिमाग में चला। ए, केस वेस का चक्कर छोड़ गाड़ी भगा। जी सर, जी। अरे भाई वो दिख ही नहीं रही है, चल उधर देखते हैं। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर रही हो ना? अब कहाँ तुम? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो होगा, देखो काली का मंदिर है। मंदिर पार करते ही एक छोटी सी गली है, उसके अंदर घुस जाओ। अबे किधर चली गई यार वो, भगा भगा के थका दिया। चलो वो चले गए ना, टेंशन मत लो, अगर टेंशन लोगी तो फंस जाओगी।
ए, वो लेफ्ट में मुड़ने वाला है, हम लोग राइट में मुड़ते हैं, चल राइट मोड़ गाड़ी। क्या देख रहा है बे? वो निकल गया ना, तो छोड़ूंगा नहीं, चल जल्दी कर। पता नहीं कहाँ चलेगी और कितना दौड़ना पड़ेगा। हाँ स्वाति घबराओ नहीं, चलो जल्दी करो बैठो। भाई सब जगह ढूंढा कहीं नहीं मिले। आ गई सर, बच के निकल गई। तुम लोगों को उसे पकड़ने के लिए बोला था, वो बाइक पे बैठ के भाग रही है, जाओ उसके पीछा करो। चलो तेज चला, तेज चला, चलो बैठो, जल्दी बैठो अंदर, बचना नहीं चाहिए। चलो फ्लैश पे गाड़ी को। अरे गधे, धरती का पुत्र किसी काम का नहीं। बचना नहीं चाहिए, ये गाड़ी ठोक इसकी, ठोक दे, उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे। स्वाति साइलेंट। इतनी देर क्यों हो गई? सो स्वीट। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि कहाँ गया था। नहीं आंटी, वो ऑटो नहीं मिल रहा था इसलिए। तुम अंदर चलो। रुको, पहले ही कम दुखी नहीं हूँ मैं। जब भी तू बाहर जाता है मुझे बहुत डर लगता है, बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में, तुझे कोई अंदाजा भी है? पापा कब से बुला रहे हैं? ये छोड़ो ना, मैं जाकर पूछो ना पापा को क्या चाहिए। तू बताएगी कुछ? जाओ ना, पापा नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे, जाओ ना, जाओ, बात बात में जाओ ना, तुझे तो बाद में देखूंगी। हाँ हाँ ठीक है, सुबह मत छोड़ना, अभी चलो। ए ये सब क्या हुआ? तुम्हें मारने के लिए भेजा था, तुम लोग खुद मार खा के आ गए। अरे तुम लोग कुछ बोलोगे या सब मर गए हो? इससे अच्छा तो वहीं मर जाते, एक लड़का और एक लड़की को उठा नहीं पाए, शर्म आनी चाहिए तुम सबको। सही कह रहे हो सेठ जी। ए डॉक्टर साहब इधर आओ, ये सारे के सारे ठीक हो जाएंगे या सबको काम से निकाल दूं? बताओ। इन्हें सीवियर इंजरी है। ये सब सिविल इंजीनियर है? इलाज कर दिया है, ठीक होने में 3 महीने लग जाएंगे इनको। ए डॉक्टर, 3 महीने रखने की जरूरत नहीं है, एक इंजेक्शन लगाओ, 3 मिनट में सबको ऊपर भेज दो। हॉस्पिटल है, कोई मुर्दा घर नहीं है। ए इंस्पेक्टर कहाँ है वो? वो पड़ा है। ये क्या पट्टी बांध करके लेटा हुआ है? तू मर नहीं गया, यहाँ पर आकर सोया हुआ है। इससे अच्छा होता कि तू मुझे मुर्दा घर में मिलता। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, डॉक्टर ने कहा 3 महीने लगेंगे। तू आना मत, तू मर जाएगा तो भी मैं तुझे देखने नहीं आऊंगा। अभी देखने आया हूँ तो एडवांस समझ। सर तेज मत बोलिए, यह हॉस्पिटल है, कोई वीडियो सोशल मीडिया पर ना डाल दे। मैंने तो सबको बोल दिया कि मेरे सेठ जी मंत्री बनेंगे, सब गुड़ गबर हो गया। नेताजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? छोटा सा तो मैटर है, हम सब बिना बात उससे लड़कर उसे बड़ा बना रहे हैं। अभी हमारे सामने इलेक्शन है, बहुत काम है, प्रचार है, पार्टी मीटिंग है, अभी इनके बारे में सोचने का वक्त ही कहाँ है? हम उसे बाद में भी संभाल सकते हैं, बस एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए। आप पहले अपनी सीट पक्की कीजिए, फिर बताता हूं मैं उसे। ठीक है, इलेक्शन की तैयारी पूरी कर लो, जहाँ प्रोग्राम रखोगे आ जाऊंगा। अब तू क्या सोच रहा है यार? तुम लोगों ने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना? कल मैंने पहली बार उसे अपने बाइक पर बिठाया था, ऐसा लगा था कि बस वो आखिरी बार है। ये तो सच है कि कभी किसी गलत आदमी से पाला नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब तो पड़ गया। अब देखो ना, मुझे तो मारना ही चाहता है वो, लेकिन अब स्वाति के लिए भी मुश्किल खड़ी हो गई है। कैसे? वो भी तो टीवी पे उसके खिलाफ बोलती रहती है। पर अब करें क्या? ये कौन है? क्या हुआ भाई, ऐसे देख रहे हो जैसे किसी की मौत हो गई है। गुंडे भेजे थे, लेकिन अब सेटलमेंट नहीं हुई तो पुलिस ने आपको भेजा है। मैं यहाँ आया हूँ, किसी को नहीं पता। नेताजी तुमसे बहुत नाराज हैं, तुम्हारे पीछे पुलिस लगा दी है। वो कौन है, उनके बारे में जानते भी हो? 146 ठेकों का मालिक है वो। ठेके के धंधे में जब उसे सक्सेस मिल गई तो स्कूल कॉलेज को उसने अपना धंधा बना लिया। अब 5 कॉलेज और 2 स्कूल भी हैं, उनमें से 1 कॉलेज उसके बेटे के नाम पर है और 4 बेनामी संपत्ति। हमारा कॉलेज भी उसी में से है। कॉलेज और स्कूल की कमाई तो आप छोड़ ही दीजिए, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक राज कोई नहीं जानता। जो कोर्स उस कॉलेज में है ही नहीं, उसके 10,000 फॉर्म्स बेचे गए हैं।
हम जैसे लोग तो जानते हैं और आंखें बंद करके हम ये सब होने देते हैं, फिर अप्लाई करके कोर्स करने वाले लोग सोचते हैं कि हमसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे इसलिए एंट्री मिल गई। इस फॉर्म की कीमत 800 रुपए है। ये सब डिटेल्स मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन क्या फायदा इसका? वो तुम्हें ठिकाने लगाने वाले थे, पर मैंने ही रोका कि पहले इलेक्शन तो हो जाने दो, तुम्हें टाइम मिल गया है उसका इस्तेमाल करो, नहीं तो तुम्हारे साथ तुम्हारे परिवार वाले भी मरेंगे। क्या भरोसा है? जब उसके साथ रहोगे तो मेरी बात उससे कहोगे, और जब मेरे साथ रहोगे तो उसकी बात मुझसे। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप जा सकते हैं। ये उनके जैसे आदमी बिल्कुल नहीं लगते, ये जरूर कोई प्लान लेकर आए हैं। एक बार तो हमें इनका प्लान सुन लेना चाहिए। प्लान? मैं क्या प्लान बनाऊंगा, मैं तो डमी कैंडिडेट ही हूँ। मतलब कि आप भी डमी कैरेक्टर हैं? जब से मैं राजनीति में हूँ अच्छा काम करके ही नाम कमाया है, पर पार्टी वाले सीट के लिए पैसे मांगते हैं। अंजी सेठ के पास पैसे हैं इसलिए उसे आसानी से सीट मिल गई। मैं तुम सबकी यहाँ मदद करने आया हूँ ताकि तुम्हारा काम हो जाए। ये बहुत चालाक है। इसमें मेरा भी फायदा है, अगर मैंने इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया तो मैं डमी कैंडिडेट ही रह जाऊंगा, जो मुझे पसंद नहीं। जीवा, बुढ़ा सही बोल रहा है, भरोसा कर सकते हैं। परंदापुरम आपका एरिया है ना? हाँ मेरा ही है। ठीक है, बताता हूँ। नमस्ते नेताजी। आ गए, इलाके का माहौल कैसा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हाँ नेताजी, आपके नाम पर एक भोज की व्यवस्था की है। कहाँ? अपने गांव में। ये सब जरूरी है क्या इलेक्शन के टाइम पे? तू इन सब में कितना पैसा खाएगा? सब आपके आने के बाद ही खाना खाएंगे। ऐसा क्या? जी नेताजी। तुम तैयारी करो, मैं आ जाऊंगा। हाय जी, कैसे हो? अरे भाई, तीन चाय। क्या भाई, दाढ़ी बढ़ा ली? प्यार व्यार में पड़ गया क्या? ए, क्या बात कर रहा है, दिखता नहीं क्या दोस्त दुखी है? तुझे दाढ़ी की पड़ी है, है? ले तो चाय पी। अच्छा, यहाँ बलि चढ़ाने का प्लान चल रहा है, लेकिन इतने में काम हो नहीं पाएगा दोस्त अपना। आप बलि तो कल चढ़ाएंगे, आज खुशियां मनाएंगे। सीधे वार में तो डमी कैंडिडेट साथ ही देगा ना, इसलिए ये इंतजाम है। ये भी है, मुंह तो देखो जैसे राजयोग चल रहा हो इसका, बस मुकुट पहना दो डिट्टो किंग लगेंगे। क्यों अंकल? जीवा, देखना हम उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। ए, ऐसा लफड़ा नहीं चाहिए, और किसी से करा लेंगे, कल आपके आदमियों की जरूरत पड़ सकती है। क्यों यार, भरोसा नहीं है क्या हम पे? अरे मुझे तुम लोग हमेशा मेरे साथ चाहिए, मैं किसी को खोना नहीं चाहता, तभी जीत होगी। ये काम तो हम औरों से भी करवा लेंगे, तुम मजे करो। बात तो सही है दोस्त। नमस्ते भाई, यहाँ पे कहीं डांस का प्रोग्राम है, कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। अच्छा, वो वहाँ है। वो देख। अरे ये सब तैयार होके अभी से कहाँ जा रहे हैं? खाना तो 1 बजे के बाद मिलेगा, उसके पहले कोई दिखा तो झाड़ू से मारेगी। निकल बाहर, बाहर निकल। अरे एक छोटा सा काम दिया, सब भाग रहे हैं। ए, उसको देख तो। ए, समझाया था ना तेरे को, चकली लेने भेजा था और तू यहाँ बैठ के शराब पी रहा है? बहुत मारूंगा पकड़ के। चल चल निकल निकल। तक तुम्हारा प्लान क्या है जीवा? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, हम सबने मिलकर बहुत अच्छा प्लान बनाया। अभी क्या करना है? ए, तुम बाहर से सिर्फ तमाशा देखना, सामने बिल्कुल मत आना। कुछ भी हो, अभी मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगी। कितना भी समझा लो मानोगी तो नहीं? हाँ नमस्ते। यहाँ पे कई बिरयानी बढ़ रही क्या? हाँ वो दे रहे ना। चिकन इस काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे थे ना, ये तो तैयार हो गया। चलो, इतना समय हो गया नेताजी नहीं आए। अंकल ये पटाखे दो ना। जा, कोई पटाखे नहीं मिलेंगे, चल जाए यहाँ से। सब तैयार है ना? सेठ जी जैसे ही हाथ का इशारा करेंगे सब लोग खाना खाना शुरू कर देंगे, समझ गया ना? हाँ। ए, ये तो अपने आदमी लग रहे हैं, जाओ देखो क्या चल रहा है। ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भैया वो हम लोग नेताजी से मिलने आए हैं, एक बार उनसे कहिए ना हमारे भी एरिया में झंडा लहरा दें। क्या कर रहा है? आ रहा हूँ सेठ जी। क्या चल रहा है वहाँ? वो सब लोग कह रहे हैं कि हम जीत गए। कहाँ जीते? सेठ जी, जब आप पार्टी में थे तो ये लोग आपके साथ थे, अब आपने पार्टी छोड़ दी तो इन लोगों ने भी छोड़ दी। सेठ जी अगर एक झंडे के नीचे रहे 40,000 वोट पक्की। तो आप क्या करें? आप बस झंडा लहरा दीजिए, सबके साथ खाना खाइए और पार्टी वर्करों का उत्साह बढ़ाइए। आप लोग चलिए, मैं पीछे पीछे प्रेस वालों को लेके आता हूँ। सब
सब एक साथ क्यों खड़े हो? अलग अलग हो जाओ। हम लोग क्या मैच में फील्डिंग कर रहे हैं जो अलग अलग खड़े हो जाएं? अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो सिग्नल दे देंगे तभी तो हम बच पाएंगे ना। करो खाने का इंतजाम करो। अरे अरे जरा पैर उठाओ ना। कहां जा रहा है? चलो नहीं आगे जा रहा है। अक्ल नहीं है क्या? ऐसे बैठे हैं क्या कोई? ए ये मेरे पति हैं। उठो मुझे बैठे आने के लिए। अरे आ कहां जा रहे हैं? अरे आ कहां जा रहे हैं? अरे खाना तो खा कर जाओ। मेरे दोस्त को बैठने दो। उठो। अरे उठो यार। देख घर पे बना के खा लेते हैं। अरे यहाँ देखो ना वही लगा पड़ा है। अरे तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अरे ये सब क्या है? मेरी पत्तल खाली है। ओए इधर आ, इधर आ। खाना कब मिलेगा ये बता। चलो भाई चलो 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 इधर आ चल। अरे रुको रुको खाना दे रहे हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए खाना मिल रहा है थोड़ा शांति। हेलो हाँ नेताजी निकल गए क्या? नेताजी निकल चुके हैं। सब प्लान के हिसाब से हो रहा है ना? सब इंतजार कर रहे हैं उनका। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ठीक है। अरे कितना टाइम लगेगा? नेताजी कब आएंगे? निकल गए पर पर्सनल काम के लिए बीच में रुके हैं। वो कह रहे हैं कि सबको खाना खिलाना शुरू कर दो। देखो जो सच है वो बता। अरे दो। हाँ, सच में उन्होंने ऐसा ही बोला। रुको खाली बाल्टी लेकर जा रहे हो, क्या खिलाओगे लोगों को? ये लो ये लेकर जाओ और सबको बांटो। चलो खाना कैसे खिलाना शुरू कर दिया तुमने? अरे नेताजी ने मुझे बोला है सबको खाना खिलाने के लिए, इसलिए खिला रहा हूँ। क्या बात कर तू, जा सबको सांभर दे। अरे चावल मुझे क्यों दे रहा है? हाँ सांभर डालो, सांभर डालो उसमें अच्छे से डालो। मांग रहे तो देना उसको। भी नहीं दे दे मेरे को। अरे लो, सबको बांटना। देखना नेताजी प्रोग्राम एकदम कमाल का होगा। पोस्टर माला बैनर जैसा आपने कहा था वैसा ही लगाया है। यहाँ तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, ना पोस्टर है ना बैनर है ना माला है। आइए आइए नीचे आइए नेताजी। अरे पीछे हटो। कौन है ये लोग? पत्तल उठाने कार में आए क्यों रे? तूने तो बोला था सब मेरे आने के बाद खाना खाएंगे, लगता सब पहले ही खाकर चले गए। अब क्या बताऊं नेताजी, ये लोग कुत्ते की तरह बैठकर झूठा खाने वाले भिखारी हैं। क्या आप इनके साथ बैठकर खाना खाओगे? बिना छोड़ो सब लोग, आओ इधर आओ ना। अरे क्या हुआ, इतना गला क्यों फाड़ रहा है? हाय देखो ना ये आदमी हमको झूठा खाने वाला भिखारी बोल रहा है। क्या बोला था तुम लोगों ने? तुम लोग झूठा खाने वाले भिखारी हो। हमको भिखारी बोल रहा है, जब वोट का टाइम आता पीछे पड़ जाता है। फ्री में वोट देता है मुझे? बिरयानी और क्वार्टर नहीं लेता है क्या? 500-500 के दो नोट लिए थे क्या? हम दिए पैसे। तुम लोगों ने खाना खाया ना है? तो यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे? चल चलो जाओ लड़ो उनसे, चलो जाओ। वोट तो ठीक से डाल नहीं सकता है और मुझसे जुबान लड़ा रहा है। ए इसकी ठुकाई कर, इसका वोट हम डालेंगे। चलो तू कैसे डालेगा? एक नेता से कैसे बात करनी चाहिए, तुझे तमीज नहीं है? तू कैसा मिनिस्टर है रे? ए ज्यादा मत फैल और काम पे रहकर बात कर। अरे हाथापाई मत करो यहाँ पे, चलो निकलो यहाँ से। अगर इस मंत्री को ले जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। ओए तू बड़ा मर्द बन रहा है, नेताजी को हाथ लगा के दिखा। हाथ लगाने की बात कर रहा है, मैं तो सुनने लगा कर छोड़ूंगा। चलो क्या सेठ नाराज हो गए क्या? अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अरे वो तो दुम दबा के भाग गया। रेडी सर माइक दो। अंजी सेठ के फंक्शन में आए हुए लोग खाना खाने के बाद उनकी बातों से गुस्सा हो गए। इसी बात पर अंजी सेठ उनसे भिड़ गए और इसी बीच किसी शराबी ने उनकी धोती खींच ली। अब इस इलाके से उनका जीतना नामुमकिन लग रहा है। अब देखना ये है कि भैया धोती पहन लीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट स्वाति। क्यों बे दिमाग खराब है क्या तेरा? उसने मेरी धोती निकाल दी, वहाँ तो कुछ किया नहीं, खड़े होकर तमाशा देख रहा था। अब यहाँ धोती लेके आया है, अब मैं क्या करूँ इस धोती का? नहीं पहननी मुझे तुम्हारी ये धोती। लो ये सब क्या हो रहा है? सोचा था कि प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी लेकिन प्रॉब्लम तो और बढ़ती ही जा रही है बेटा। ये सब करना जरूरी है क्या? हाँ पापा ये सब करना बहुत जरूरी है, अब सब आमने सामने होगा। नमस्ते नेताजी। नमस्ते नेताजी। तुम चुप नहीं रह सकते क्या?
मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने जो किया है ना, उससे न्यूज़पेपर में सिर्फ तुम ही चल रहे हो। ये देखो, लो टीवी भी देखो। नेताजी की धोती निकाल दी गई। राजनीति में ऐसा पहली बार हुआ है। ये बहुत हमेशा नशे में धुत रहते हो। मैंने नहीं पी थी। अच्छा, नहीं पी थी? कैसे कह सकते हो शराब नहीं पी थी? किसी ने तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया था क्या? लोगों का कहना है, पहले भी तुम्हारे नाम की रिपोर्ट आई थी, पर तुम्हें बचाने के लिए मैंने वो रिपोर्ट दबा दी थी। पता है ना, फिर से मुसीबत खड़ी करके मेरे पास आ गए। अरे जाने दीजिए, ये कोई नई बात है क्या? और कोई टाइम होता तो चल जाता। इलेक्शन के टाइम पे करोगे तो वोट कैसे मिलेंगे? तू इलेक्शन जीत गया होता तो मैं ये बोल देता कि ये विपक्ष की साजिश है और कुछ भी कह के इस बात को दबा देता। अभी 2 दिन पहले भी पुलिस और गुंडों के बीच में बवाल खड़ा हो गया। पुलिस क्यों आई, गुंडे क्यों आए, मीडिया मुझसे जवाब मांग रहा है। अब मुझे क्या पता था कि तू इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। ठीक है, तो उससे कुछ नहीं हो रहा है तो अपना नाम वापस ले ले। छोटी सी बात के लिए नाम वापस लेना पड़ेगा? ये कोई छोटी बात है? लोगों को याद रहता है कि किसका कैरेक्टर कैसा है। रोड पानी की बातें भूल जाते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते। मेरा नाम जिसने उछाला मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसे पकड़ना है, मारना है, बाद में करते रहना। इलेक्शन के पहले किसी को छूना भी मत। तुम्हें 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। जिस पेपर ने तुम्हारे बारे में बुरा लिखा है, उस पेपर में तुम्हारे बारे में अच्छा छपना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मैं खुद स्टेटमेंट दूंगा कि तुमने पार्टी के रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें पार्टी से निकाल रहा हूँ। फिर मुझे आकर मत कहना। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? एक प्रॉब्लम के बाद दूसरी प्रॉब्लम खड़ी करते जाते हो। कुछ नहीं है नेताजी, ये तो एक कॉलेज के लड़के का काम है। तुम्हें कोई ढंग का बहाना बनाना भी नहीं आता क्या? बड़े से बड़ा आदमी तुमसे डरता है और कॉलेज के लड़के की इतनी हिम्मत? और ये बात मीडिया को किसने बताई? धोती तो कॉलेज के लड़के उतार के ले गए, अब मैं क्या कर सकता हूँ? जो हुआ उसे भूल जाइए, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं सब सेट कर दूंगा। ए, खुद ही बात कर लो। ठीक है, तुम जाकर संभाल लो। ठीक है, चलता हूँ। हाँ हाँ, जाओ। नेताजी, आप हमारे सेठ जी को जेट सिक्योरिटी दोगे? भागना तू। ये दिन आ गया कि वो मुझे टाइम देगा। अरे डालना। जी सर जी। पार्टी छोड़कर नहीं जाता तो क्या ये सीएम बन जाता? अरे हटाओ, छोटे साहब आ गए। इतना पंगा चल रहा है, ये यहाँ क्या करने आया? अरे छोटे साहब को क्या हो गया? उसे मार देना चाहिए, लेकिन आपने जिंदा छोड़ दिया। सर पे इलेक्शन है, अगर मैं होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मुझे हनीमून पे भेज दिया, सजा गए हैं। मुझे क्या सपना आया था कि वो ऐसा खेल खेल जाएगा? तू समझ नहीं रहा, वो मुझे बिना टिकट गांव भेज देगा। गेम जरूर उसने शुरू किया है, लेकिन उस गेम को खत्म मैं करूंगा। वो कैसे साहब? दिमाग, सब दिमाग का खेल है। उसकी कोई तो कमजोरी होगी, वही मेरी ताकत है। तूने इसे फोन करके बुलाया था? नहीं, अगर मैं इसे फोन करके बुलाता ना तो जो थप्पड़ इसके मुंह पे पड़ा ना वो मेरे मुंह पे पड़ता। दिन भर मोबाइल मोबाइल। तेरी ना मोबाइल से ही शादी कर देती हूँ। पापा कहाँ हैं? सारे प्रिंटआउट्स ले लिए ना? हाँ, सारे प्रिंटआउट्स निकलवा लिए। यार अपने लड़कों को शराब पी के लुढ़कने मत देना, ये प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। ये भाई जरा धीरे बोल, तेरे पापा आ रहे। वो देखने आए होंगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अब तो निकल यहाँ से। चल ठीक है, तुझे सुबह मिलता हूँ। भाई ये एड्रेस बताना। जी हाँ, देखना एड्रेस कहाँ का है। सीधा जाके लेफ्ट।
बात इसके जाने के बाद बोलनी थी, इसके सामने ही बोल दी। अरे तो मुझे और अपने फ्रेंड्स को छोड़कर चला जाएगा? मेरा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता और मुझे अच्छे से पता है तू एक नंबर की झूठी है। उठा ना, उठा, चल चल हम अंदर देखते हैं। क्या हुआ, घर में बड़ा धमाका हुआ क्या? तो ये मत समझना कि मैंने करवाया है। बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे DNA, TNT, किसी ने भी कर दिया होगा। उन्होंने अपने झगड़े में तेरे घर को मोहरा बनाया। वैसे कैसा है तेरा परिवार, सब ठीक है ना? ए, प्यार का मतलब पता है तुझे? परिवार क्या होता है कभी देखा है तूने? ए, क्या परिवार परिवार लगा रखा है? तेरा बाप वहाँ अंदर डॉक्टर के पास मर रहा है। रुक 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 रुक। अब लगा डर? देखा, ये मेरा स्टाइल है। बोल कहाँ आना है, जल्दी बोल। मैं तेरा इंतजार कॉलेज में कर रहा हूँ, अकेले आना। ए, जीवा, अरे कहाँ जा रहा है यार? मुझे अकेले कॉलेज बुलाया है। कॉलेज? पागल हो गया तो कॉलेज जाएगा? अरे पागल है क्या ये? समझाओ इसे यार। समझाओ यार। मम्मी पापा का ख्याल रखना। ए जीवा, रुक जा। मैं जिंदा रहा तो जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा, वरना मर जाऊंगा। अरे मैं जिंदगी में तुम्हारी ताकत बनूंगा, तुम्हें कभी भी कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। मेरे जीतने से ज्यादा माँ बाप का जिंदा रहना जरूरी है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो मेरी ये जीत किस काम की? ए, क्यों रे? कहाँ मुंह उठाकर चला रहा है? क्या काम है? क्या चाहिए? अबे बड़ी अकड़ थी ना तुझमें, क्या हुआ, निकल गई? दिखा ना अकड़। उस दिन तो मैंने सॉरी बोल दिया था ना वाइफ के सामने मुझे मार के। यहाँ सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा क्या? सबके सामने मेरे बाप की धोती उतारी, हाँ? ये सब कुछ मैं इतने आसानी से भूल जाऊँ? आखिर कैसे? तेरे बाप को नहीं मारा तो वो मीडिया में आ जाएगा। वैसे और कौन है फैमिली में? एक मस्त जवान बहन है इसकी भाई। घूरता क्या है बे? हेलो। हाँ, मैंने पकड़ के रखा है उसे, आके काट डालो। वहीं रुक, मैं आता हूँ, मेरे आने तक कुछ मत करना। मेरे बाप ने गधों को पाल रखा है। हट। Oh!
बेटी, हमारे छोटे साहब के हत्थे कोई चढ़ जाए तो वो जिंदा बचेगा क्या? ए, क्या रहा है? क्या जाकर रोक उसे? ए, तू क्यों खड़ा है? तू भी जा। हाँ सर जी। ए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? सर जी। मेरे लिए मेरा परिवार जरूरी है और तूने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। पढ़ाई के बारे में तेरा बेटा जानता क्या है? हर स्टूडेंट फीस भरने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहा है जानता है तू? पर तुझे इसकी क्या फिक्र? तुझे तो सिर्फ पैसा अंदर करना आता है, उसके लिए तू कुछ भी कर सकता है। पढ़ाई का हक सिर्फ सरकार के पास होना चाहिए, ना कि तुम जैसे अनपढ़ों के पास। और इसी वजह से ना हम जैसे पढ़ने वालों को इज्जत मिलती है और ना इस पढ़ाई को। तुम ये नहीं समझोगे। तेरा सारा कच्चा चिट्ठा है मेरे पास, अभी बताता हूँ तुझे। जा जा, तू इस कंपाउंड से बाहर नहीं जा पाएगा। तू ऐसे नहीं सुधरेगा। ये क्या कर रहा है? क्यों ये सब क्या है बेटा? हैं, क्या हो रहा है ये सब? पापा आप यहाँ क्यों भाई? तुम अपने एक बेटे को संभाल नहीं पा रहे और पूरा कॉलेज चलाने के लिए आ गए? पिता का अपने बेटे के लिए कवच बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपने देश में बच्चे को पिता के नाम से जाना जाता है ताकि उसकी किस्मत और उसके अच्छे बुरे का फैसला उसका पिता कर सके। तुम जैसे हो तुम्हारा बेटा भी वैसा है, इसकी कोई गलती नहीं। तुमसे जो सीखा वही कर रहा है ये। पहले खुद को बदलो, फिर ये भी सही रास्ते पर चल पड़ेगा। चलो बेटा चले। किशोर, नहीं सर, मुझे मत मारना सर। मैंने तो हमेशा से बोला था सर कि ये सब कितना गलत हो रहा है। सॉरी सर। इतने दिन काम करने पर सिर्फ ये मिला है तेरी तरफ से। थैंक यू सर। मैं चलता हूँ सर। बाय बाय सर। क्या देख रहे हो? इन जैसे लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, हमारी वजह से ही इनको शय मिलती है। तूने हमेशा अपने माँ बाप की बात सुनी, इसलिए तू सुधरा हुआ है, कोई गलत काम नहीं किया। इन बाप बेटों ने कभी किसी की नहीं सुनी, इनके सुधरने का तो चांस ही नहीं था। पता है तुम्हारे जाने के बाद क्या होता? अपने 10 गुंडों को भेजते और तुम्हारा काम तमाम। इसलिए मैंने इस मुसीबत की जड़ को ही खत्म कर दिया। तेरे सर्टिफिकेट पे इसने बैड रिमार्क दिया तो तू गुस्से में आ गया। एजुकेशन तो इन लोगों के हाथ में होनी ही नहीं चाहिए। बुराई को अगर खत्म करना है तो ऐसे लोगों को मारना बहुत जरूरी है।